हाँ जी गुड इवनिंग तो बहुत सारा डिमांड और फिर से एक चैप्टर जिसका मैंने रिवीजन एक ज़माने से नहीं डाला था तो आओ चैप्टर का नाम है सर कॉरपोरेट वैल्यूएशन कॉरपोरेट वैल्यूएशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन होगा आज और इसके बाद होगा मर्जर एंड एक्विजिशन ठीक है ठीक है सर और टेस्ट भी मैं आपसे लूंगा और सर टेस्ट का जो शेड्यूल होगा वो क्या शेड्यूल होगा तो शेड्यूल मैं कल डिस्कशन कर दूंगा कि टेस्ट का जो शेड्यूल होने वाला है वो क्या होने वाला ठीक है सर तो कल डिस्कस आज तो कॉरपोरेट वैल्यूशन हो जाएगा सर आज की डेट कौन सी है तो आज है दस सेप्टेम्बर कल अनाउंसमेंट होगा कि टेस्ट किस तरह से देना है चैप्टर वाइज देना कौन सी डेट में कौन सा टेस्ट होगा तो आप उसकी पहले से तैयारी कर लीजिएगा चलो सर टेस्ट की बात छोड़ते बात करते कॉरपोरेट वैल्यूशन की और सर जिनका नवंबर तेईस के बाद है वो लोग इसको बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से जानते हैं जानेंगे अभी हम नवंबर तेईस अटेम्प्ट के लिए बात करें तो ज़्यादा अच्छा सर कॉरपोरेट वैल्यूएशन में हमको वैसे पढ़ना क्या है कॉरपोरेट जिनका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स जिनके पास हैं उनको फिर से बोलूँ तो उनको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है आपके पास जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स है ये बुक्स हैं और ये आपकी कॉपी है तो टेंशन नहीं आपकी कॉपी में यही नोटिंग है क्योंकि मैं उसी से रिवीजन करवा रहा हूँ और सर जो आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं वो प्लीज़ इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा क्योंकि यार अच्छा है टारगेट वही है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भले ही ये रिवीजन क्यों ना हो मैं जानता हूँ ये रिवीजन है बस इतना होता है कि जो दो घंटे में ख़त्म होने वाला वो तीन घंटे में होगा लेकिन सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे ठीक है जी तो बात हो रही है किसकी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में बेसिकली सर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर है क्या चक्कर चक्कर कुछ नहीं है भाई चक्कर है कि यार अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम बॉन्ड का वैल्यू निकालना सीख रहे थे सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में और बॉन्ड वैल्यूएशन के अलावा और क्या वैल्यूएशन निकालना सीख रहे थे हम इक्विटी का वैल्यूएशन सीख रहे थे कि यार शेयर्स uh, खरीदना है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, इस पढ़ने वाले है इस चैप्टर में काम वैसे ही रहेगा जैसे आपने बॉन्ड वैल्यूशन में इक्विटी वैल्यूशन में किया फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा बिजनेस से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और भी हैं जो मुझे यहाँ डिस्कस करने है एक का नाम है एक तो पढ़ना मुझे इकोनॉमिक वैल्यू एटेड ईवा वैसे ये अकाउंटिंग का टॉपिक है चलो यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू सबसे काम का टॉपिक जो मुझे बोलते, या बोलते है। और टॉपिक आता है गियरिंग ऑफ बीटा कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है तो बीटा हाँ इस बीटा के विषय में भी समझेंगे कि यार बीटा वैसे तो ठीक है लेकिन डेट इक्विटी के हिसाब से भी बीटा में चेंज होता है डेट ज्यादा होता एक है एक फर्म जिसमें रिस्क कम है एक फर्म जिसमें रिस्क ज्यादा है डेट है तो जिसमें डेट है उसमें बीटा जनरली ज्यादा होता है ऐसी फर्म जिसमें डेट नहीं है उसकी अपेक्षा डेट की वजह से रिस्क बढ़ता है और ऐसी फर्म का बीटा ज्यादा होता है यही कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ठीक तो ये तीन टॉपिक मुझे डिस्कस करना पहला जो है वो है इकोनॉमिक वैल्यूएटेड ईवा सर ईवा क्या चीज है ईवा बिल्कुल सिंपल टॉपिक है बिल्कुल ही सिंपल हालांकि एक क्वेश्चन है उसमें यार आईसीएआई कुछ भी कर रहा है उस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा पर उसके अलावा मैं बात करूं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है टॉपिक ही बिल्कुल सिंपल होता क्या था सर होता क्या था ईवा याद दिला दो होता ये है बेटे आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक पी एन एल अकाउंट बना है पी एन एल अकाउंट में आप यहाँ सेल्स वगैरह इनकम लिखते हो यस और यहाँ क्या लिखते हैं सर यहाँ सर हम एक्सपेंसेस लिखते हैं ओके okay. और यहाँ इंटरेस्ट भी लिखते हैं ठीक है और सर यहाँ टैक्स भी लिखते हैं यस yes. जो आता है उसका नाम रहता सर, है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर यार सच्चाई ये है कि सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंपनी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितना है कैसा है ये नहीं बता सकते पीएटी को भूमिका नहीं है बेटे पीएटी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कुछ के आ, मतलब कुछ ना कुछ समझ सानी आ, ऐसा कर लो मैं आपसे कहता हूँ दूसरे शब्दों में बता रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, मतलब, का मतलब क्या इसमें से डिबेंचर होल्डर का कॉस्ट माइनस हो चुका है हाँ सर इंटरेस्ट माइनस हो चुका है लोन प्रोवाइडर का क्या इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कॉस्ट माइनस हो चुका है सर नहीं हुआ है हाँ सर और क्या इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का भी कॉस्ट नहीं हुआ है सर मेरा बस ये कहना है कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप परफॉर्मेंस नहीं पता कर सकते इसमें जो कंपनी का ऑनर है उसका भी अगर कॉस्ट माइनस कर दे और उसके बाद अगर कुछ बचा तो उसका नाम रहेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडिट ईवा हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सर ये नेगेटिव भी आ सकता है हाँ हम एक्चुअल में दे नहीं रहे इन लोगों को ऑनर्स को बस मैंने कहा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर ठीक ठीक है सर मतलब पैट में से मुझे माइनस करना पड़ेगा ऑनर्स का कॉस्ट यस मतलब सर डिविडेंड नहीं फ्रेंच शेयर होल्डर को तो चलो ठीक है यार उनको तो डिविडेंड दिया जाता है डिविडेंड माइनस कर देंगे लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है हमें नहीं मालूम उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करें ठीक है वो कैसे निकाला जाता बात करता हूं और इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट भी माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा अगर बच गया तो कहेंगे यार कंपनी कितनी अच्छी है यार ऐसी कंपनी जो सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को जो देना है वो भी देना उसके बाद भी अगर सरप्लस बच गए तो वही तो ईवा है इकोनॉमिक वैल्यूटेड और ईवा अच्छा है ईवा पॉजिटिव है तो फर्म का परफॉर्मेंस अच्छा है ईवा नेगेटिव है तो फर्म का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है फर्म जो वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय होगा बस यही समझाना था बाकी और ठीक है सर बहुत सारी कहानी सा, समझाने का टाइम नहीं है तो ईवा क्या है ईवा है सरप्लस और सरप्लस क्या बोले सरप्लस अवेलेबल आफ्टर प्रोवाइडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कैपिटल प्रोवाइडर्स और कैपिटल प्रोवाइडर्स में कौन होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर होल्डर होते होते हैं हैं और डेट होल्डर होते हैं है। ठीक है सर सर निकाला कैसे जाता पहले निकालोगे नोपेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ई सर ई मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड मतलब सर इसमें से अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ नहीं बी आई में से क्या माइनस करोगे टैक्स सर क्यों एबीआईटी में से तो पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना नहीं भाई सबसे पहले हम टैक्स माइनस करेंगे मेरे ख्याल से इस मैटर पे मैं बात ना करूं तो अच्छा है समझाने में टाइम निकलेगा मैं एबीआईटी में से सीधा टैक्स माइनस करूंगा तो यहां जो नाम आएगा उसका नाम रहेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सर इंटरेस्ट कब माइनस करूंगा करूंगा ना देखो ध्यान से नोपेट का मतलब क्या हो गया सर इसमें से सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं बिल्कुल इक्विटी शेयर होल्डर कॉस्ट वो माइनस नहीं हुआ है सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर सर वो भी माइनस नहीं हुआ क्या डेट वाले का इंटरेस्ट माइनस हुआ सर वो भी माइनस नहीं हुआ है एग्जैक्टली exactly. अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इन सब लोगों का कॉस्ट तीनों का इक्विटी का डेट का प्रेफरेंस और उसके बाद जो बचेगा उसका नाम है ईवा कुछ भी नहीं था अच्छा सर तो उसके लिए हमें सबसे पहले डब्ल्यू निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डब्ल्यू निकालना आपको आता है उसके बाद निकालेंगे ईवा और ईवा कैसे निकालेंगे नोपेट नोपेट मतलब तीनों को कैपिटल प्रोवाइडर का कॉस्ट माइनस करने से पहले और उसमें से जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइडर ने जितना पैसा लगाया है उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो क्या जाएगा ईवा ठीक सिंपल है ठीक है सर एग्जाम्पल नंबर वन देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल पचास हजार शेयर्स है दस का एक है तो पांच लाख है बारह परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है तीन लाख का टेन परसेंट डिवेंचर है दो तो लाख ठीक है सर मतलब यार कैपिटल एम्प्लॉयड है पांच लाख प्लस तीन लाख प्लस दो लाख ईबीआईटी है टू लाख फोर्टी थाउजेंड टैक्स है थर्टी परसेंट आर एफ आर एम और बीटा दिया है तो आप समझदार हो कि ये क्यों दिया होगा के निकल तो सबसे पहले इकोनॉमिक वैल्यू एडिट निकालना तो भाई साहब सबसे पहले एक काम करती है ना सर सबसे पहले केई निकाल ले क्या यस और केई कैसे निकालते हैं आर एफ प्लस आर माइनस आर एफ इंटू बीटा सिक्स तो ये आ गया ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव ये क्या कहना चाहता ये कहना चाहता भाई इक्विटी शेयर होल्डर को हमें ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव परसेंट देना होगा इट सपोर्ट्स इक्विटी शेयर कैपिटल कितना फाइव लाख तो फाइव लाख पर हमें देना होगा ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव परसेंटेज अब मैं ईवा निकालने के लिए तैयार हो गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवा ईवा निकालने से सबसे पहले सबसे पहले निकाला जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं नोपेट और वो कैसे निकाला जाएगा ईबीआईटी बी आई में सीधा टैक्स माइनस कर देना तो ये आ जाएगा नोपेट वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड अब मुझे डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी तो डब्ल्यू के लिए क्या करना होगा बताओ इक्विटी शेयर होल्डर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है के और के ऑलरेडी निकला है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव परसेंट इसपे मुझे देना पड़ेगा ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव परसेंट कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत शेयर होल्डर पे इस पर देना पड़ेगा ट्वेल्व परसेंट और सर डिबेंचर पे डिबेंचर पे टेन परसेंट देना लेकिन आज सच्चाई आप भी जानते हो अच्छे से ये आफ्टर टैक्स होता है इस पर टैक्स सेविंग्स होता है यस तो आफ्टर टैक्स करके इस पर के निकाला मैंने सेवन पर कोई बता सकता है दस लाख पे मुझे कितना देना निकल जाएगा ना सर हमको डब्ल्यू एस निकालना पड़ेगा दैट्स इट ठीक है तो काम करें यस पांच लाख पे इतना थ्री लाख पे इतना टू लाख पे इतना दस लाख तो डब्ल्यू एस सी आ गया इलेवन पॉइंट पर फाइनली हम निकाल रहे ईवा ईवा कैसे निकला सबसे पहले नोपेट निकला था वन लाखी एट थाउजेंड और वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड में से माइनस कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू डब्ल्यू एस सी सी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया ईवा पॉजिटिव है तो फर्म का परफॉर्मेंस अच्छा है सिंपल चले बनाए क्वेश्चन बस पहला पॉइंट खत्म हो गया सिंपल है यार कॉर्पोरेट वैल्यू इसमें तो मेरे मेरे द्वारा रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी क्वेश्चन नंबर टू सर क्वेश्चन नंबर वन क्यों नहीं करवा रहे क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल ही सिंपल रहा होगा इसलिए नहीं करवाया इट मींस अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो फुल एंड फाइनल है अच्छे क्वेश्चन है प्लीज कर लेना फॉलोइंग डेटा पर्टेंट टू एक्स वाई जेड इन कॉरपोरेशन इंगेज इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू था कंपनी एक्स वाई जेड और उसका इंफॉर्मेशन दिया है इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी दे रखा है 935 डॉलर मिलियंस ठीक है क्या फर्क पड़ता है मिलियंस में हो डॉलर्स में हो हमारे काम की चीज है ई बी आई टी सर EBIT मिल गया वन एट जीरो और हमको टैक्स का रेट पता लग गया यस yes, और टैक्स का रेट है तो नोपेट तो निकल ही जाएगा सर यस इट मींस पहला मेरा स्टेप था कि मुझे क्या निकालना था नोपेट और उसके बाद मुझे निकालना था डब्ल्यू एस सी सी तो देखना पड़ेगा कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है सर कैपिटल एम्प्लॉयड इधर से देख सकते इधर से भी देख सकते तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड ये दिख रहा है ये दोनों मिलाकर बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्विटी और इसको बोलते हैं डेट अब इक्विटी के लिए मुझे चाहिए के और डेट के लिए मुझे चाहिए क्या के डी यस थैंक गॉड डबलू दे दिया भाई क्वेश्चन में इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा डब्ल्यू दे दिया है ट्वेल्व परसेंट ईवा निकालना है चले तो ईवा निकाले या नोपेट निकाले सबसे पहले ए माइनस टैक्स डब्ल्यू एस सी यार इससे अच्छा क्वेश्चन किया सर इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है तो इन्वेस्टेड कैपिटल ऐसे जोड़ सकते हैं या फिर सर दूसरा तरीका है कि ऐड करने का यस yes, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है मतलब एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी इसको आप इन्वेस्टेड कैपिटल बोलते हैं एक्चुअली तो देखिए कैसे काम किया है नोपेट में से कैपिटल एम्प्लॉय किया तो ये आ गया ईवा और ईवा पॉजिटिव तो है ये पूछ नहीं रहा है कि ईवा पॉजिटिव है तो परफॉर्मेंस कैसा है हमें क्या करना चाहिए तो हम भी जवाब नहीं देंगे हम सीधा ईवा निकाल देंगे बात दूसरा शब्द आया मार्केट वैल्यू एडेड सर मार्केट वैल्यू एडेड होता क्या है मार्केट वैल्यू एडेड होता है मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल मतलब मतलब यार देखो अभी यहां देखो ध्यान से यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल ये है बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ठीक है और अब मार्केट वैल्यू की बात करूंगा तो मार्केट वैल्यू देखो यार शेयर का प्राइस कितना हो गया तो हालांकि तो लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल तो इक्विटी कितना टेन मिलियन डॉलर फाइव हंड्रेड और डेट कितना डॉलर टोटल कितना है सिक्स एट जीरो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इंप्लाइड है 605, तो ये जो डिफरेंस आता है इसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू एडेड कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है हालांकि ये नहीं पूछता अगर ऐसे देखोगे तो बहुत सारा वैल्यू एडेड है आपका शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड है एंटरप्राइजेस वैल्यू एडेड है पर बहुत सारी चीजें हम नहीं करेंगे एग्जाम में आने की उम्मीद कम होती है आता ही नहीं क्वेश्चन ही नहीं ठीक है सर क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए कहाँ है सर ये है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है लिखा हर्बल ज्ञान इज अ स्मॉल स्मॉल बट प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर ऑफ अ ब्यूटी कॉस्मेटिक यूजिंग प्लांट एलोवेरा नॉट हाईटेक बिजनेस बट हर्बल अर्निंग्स एवरेज अराउंड ट्वेल्व लैक आफ्टर टैक्स सर ये आफ्टर टैक्स अर्निंग है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं या फिर इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा हालांकि लिखा है सब अर्निंग हैव एवरेज अराउंड ट्वेल्व लाख आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है लार्जली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पेटेंटेड ब्यूटी ठीक है द पेटेंट हैज 8 इयर्स टू रन द हर्बल हैज बीन ऑफर 40 लाख द पेटेंट राइट हर्बल की एसिड्स में इंक्लूडेड ट्वेंटी लैख ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड एटी लैक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या बोला है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्वेंटी लाख का है हमारा वर्किंग कैपिटल पेटेंट इज नॉट शोन ऑन द हर्बल बुक्स पर हम तो सही करेंगे हर्बल की बुक्स में पेटेंट दिखाई नहीं दे रहा ठीक है भाई पेटेंट की वैल्यू कितनी है? बोले फोर्टी लैक्स वो भी जोड़ देंगे पंद्रह परसेंट वाट इज अब समस्या क्या है सर समस्या कुछ नहीं है एक्चुअली बहुत कम इंफॉर्मेशन है टैक्स का भी रेट नहीं दिया और हमें सबसे पहले चाहिए नोपेट और नॉपेट कैसे निकालते ए बी माइनस टैक्स और टैक्स वैक्स कुछ दिया नहीं है तो ये जो दिया है ट्वेल्व लैक्स में मान के चलूंगा कि नॉपेट अब सर हमको चाहिए कैपिटल इंप्लॉयड तो कैपिटल इंप्लॉयड में इक्विटी और डेट वगैरह कुछ नहीं दिया पर इस रूट से जा रहा हूं तो बात खत्म कर देते हैं ये सब मिलके बन जाएगा इन्वेस्टेड एसेट्स या कैपिटल इंप्लॉयड और ये जो दिया है ये डब्ल्यू दिया मतलब सर क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है दम नहीं आप भी जानते हो कि कितने टाइम का क्वेश्चन हो ट्वेल्व माइनस एक सौ चालीस आंसर आ गया नेगेटिव में आ गया इवा माइनस नाइन बस और कुछ था नहीं चले चलती क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज डेवलप अट हैज द या रिड्यूज दैपिटल शब्द लिखा हुआ है आप इसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो आप इन्वेस्टेड कैपिटल भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज डेवलप हाईटेक प्रोडक्ट विच हैज रिड्यूज द कार्बन एमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फोजिल फ्यूल भगवान क्या लिखा है नहीं मालूम द प्रोडक्ट इज इन हाई डिमांड द प्रोडक्ट हैज पेटेंटेड पैटेंटेड एंड बोले एक पेटेंट है जिसका वैल्यू है हंड्रेड करोड़ और जो अभी रिकॉर्ड नहीं है बुक्स में सच्चाई हमको भी मालूम है हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पैटेंट कितना हंड्रेड करोड़ द नेटवर्थ ऑफ कांस्टेंट इंजीनियरिंग टू हंड्रेड करोड़ और नेटवर्थ दे दिया नेटवर्थ दे दिया टू हंड्रेड करोड़ अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं अगर पेटेंट रिकॉर्ड करते हो एसेट्स में फर्क पड़ेगा तो लाइब्रेरी साइड भी तो फर्क पड़ेगा बैलेंस शीट आता है आपको यस सर एक टाइप से अनरिकॉर्डेड एसेट्स है यस अगर अनरिकॉर्डेड एसिड को रिकॉर्ड करोगे तो इधर भी तो फर्क पड़ेगा और फर्क कहाँ पड़ता है सर इक्विटी में फर्क पड़ता है प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ जाता है यस और रिवेलुएशन हो रहा है तो इसी में हंड्रेड ऐड होगा यस इट मीन्स नेटवर्थ अभी कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड करोड़ हो जाएगा ये हमको अकाउंटिंग आता है अच्छे से और डेट कितने का है? सर डेट है फोर करोड़ तो ये हो गया इक्विटी और डेट हो गया हमारा फोर प्रोडक्ट जनरेटर रेवेन्यू एटी फोर करोड़ रेवेन्यू दिया है मतलब रेवेन्यू का मतलब सेल्स हुआ ना सर यस yes. अभी तो वही लग रहा है अब आगे देखते हैं रेट ऑन तीन सौ पैंसठ गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड इज टेन परसेंट मतलब सर ये आर एफ हो गया यस मार्केट आर एम हो गया यस yes. और स्टॉक ऑफ कंपनी टेंथ द मार्केट सर मतलब बीटा वन बता रहा हूँ सर, बीटा वन है तो आपका जो केई निकलेगा वो तो ट्वेल्व परसेंट ही निकलेगा इसका मतलब तो यही है अब क्वेश्चन के लिए मुझे केई चाहिए तो केई तो सर बारह परसेंट ले लू क्या यस अब सर डेट कितना लिया जाए डेट के विषय में कुछ नहीं बोला। एग्जाम में आया हुआ है मई दो हजार अठारह में, में क्वेश्चन दिख रहा है ना तो जरा सोच समझ के काम करना डेट के लिए तो सर कुछ दिया नहीं है क्या किया जाए तो आईसीएआई क्या करता है जो आर है ना उसी को डेट ले लेता है कितना टैक्स का रेट दिया नहीं है ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से समस्या है एक्चुअल चलो तो काम करें नोपेट कितना ले लिया एटी फोर करोड़ ही ले टेंशन नहीं खत्म एटी फोर और के निकाला और के कितना आया बारह परसेंट वजह में आपको बता दिया क्यों आया बारह परसेंट और सर ईवा निकाल लिए यस और मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि डेट का रेट दिया नहीं है तो इसी को उन्होंने डेट ले लिया आंसर आ गया डब्ल्यू एस सी का टेन पॉइंट एट सिक्स परसेंट और फिर आपने निकाला ये तो आंसर आ गया सेवन पॉइंट नाइन है सिंपल है आराम से क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़े क्या लिखा एक बार पढ़ते हैं। the following information is given for three इज गिवन फॉर थ्री except एक्सेप्ट फॉर दियर कैपिटल ऑरेंज है ग्रेप है और एप्पल तीन कंपनी इन्वेस्टेड कैपिटल दिया है वन लैख वन लैख वन लैख मतलब यार तीनों में एक जैसा कैपिटल है अंतर है तो सिर्फ डेट एसेट मतलब सर इसमें डेट कितना है पॉइंट एट मतलब डेट है सर एटी परसेंट और इक्विटी है ट्वेंटी यहाँ डेट फिफ्टी और इक्विटी डेट है ट्वेंटी मतलब सर रिस्क किधर ज्यादा है रिस्क इधर ज्यादा है ट्वेंटी एटी मतलब सर डेट और इक्विटी अलग अलग कर लेंगे यस एक लाख में से अस्सी हजार डेट ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं क्यों दे रखा है अगर ईवा मांग रहा है तो हमें क्या करना शेयर से टैक्स प्री टैक्स कॉस्ट तो केडी निकालना पड़ेगा और केडी कैसे निकालेंगे आई वन माइनस टैक्स और के ई दिया हुआ है तो इन दोनों को यूज करके डब्ल्यू एस सी निकल जाएगा और ईबीआईटी दिया है और टैक्स भी दिया है तो नोपेट हो जाएगा ईवा निकालना तो इससे आसान ईबीआईटी दिया है ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो नोपेट आ जाएगा और फिर डब्ल्यू एस सी निकाल लेंगे और कैपिटल इंप्लॉय तो वन लाख है तो वन लाख इंटू डब्ल्यू ए सी माइनस कर देंगे किसमें नो से हो जाएगा तो बोला सबसे पहले डब्ल्यू एसी सी निकाल लेंगे निकाल लेंगे भाई साहब फिर बोले ईवा निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे सर और बेस्ड ऑन ईवा बताना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसका ईवा ज्यादा आएगा वो बेस्ट है फिर अगर इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो इलेवन है तो बताइए प्राइस क्या होगा उसके लिए ई लगेगा ई लगेगा तो फिर हमको पैट निकालना पड़ेगा तो ई पी एस इंटू प्राइज अर्निंग रेशियो कर लेंगे कर लेंगे सर और फिर मार्केट कैप निकालना तो मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है बोले सर जो एम आएगा उसको नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना तो मार्केट कैप आ जाएगा एस एम पी एम एम टी पी अप्रैल दो हज़ार तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकाला गया सबसे पहले क्वेश्चन में निकाला गया के डी ये कैसे निकाला गया होगा सर इंटरेस्ट है सिक्सटीन Accept, मतलब 16 into पर, फिर निकाला निकाला गया के ही निकाला क्या गया होगा होगा क्या तो तो दिया है 26, 22 और और तो फिर फिर निकाल लिया डेट के हिसाब से फिर हमको क्या निकालना ईवा नोपेट मैंने अलग से नहीं निकाला नोपेट निकाल भी सकते थे पर मैंने कहा यार फॉर्मूला ऐसे लगाओ ना सीधा सीधा टी, वन माइनस टैक्स अल्टीमेटली ये तो नो पैट ही हो गया ना यार माइनस कैपिटल एंड टू तो ऑरेंज ग्रैप और एप्पल का अलग अलग निकाल अब किसका ईवा ज्यादा है ऑरेंज का तो कौन सी कंपनी को ऑरेंज विल बी कंसीडर्ड एज बेस्ट ड्यू टू हाईएस्ट ईवा अब पॉइंट नंबर फोर में एमपीएस पूछा है कि ईपीएस पूछा सर पॉइंट नंबर फोर में एमपीएस पूछा तो उसके लिए ईपीएस निकालना पड़ेगा हमको क्या मालूम है ई उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे, करोगे तो ई टैक्स माइनस करोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर ईपीएस प्राइस एन एमपीएस तो यार कुछ था नहीं बच्चों वाला काम था ये मैं नहीं भी समझाता और मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ईपीएस का तो मार्केट कैप आ जाए एम का क्वेश्चन नंबर ईवा के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इसलिए करवाना जरूरी है अच्छे से करवाना चाहिए यस लिखा है टेंडर लिमिटेड हैज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी तो यार साफ साफ लिखा अब अर्निंग आफ्टर टैक्स ने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट थर्टी परसेंट टैक्स रेट भी दिया है तो सर हमको पैट दिया हुआ है और हमको ईबीआईटी पे पहुंचना तो पैट से पीबीटी निकाल लेंगे है ना और पीबीटी में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आ जाएगा और इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना दिया है दस लाख इन्वेस्टेड कैपिटल दिया है नाइनटी फाइव लाख उसमें से फिफ्टी फाइव परसेंट डेट है बाकी इक्विटी होगा और डब्ल्यू एस सी निकाल कर दे दिया थर्टीन परसेंट थैंक चले सबसे तो पहले निकालना है ऑपरेटिंग इनकम बोला भी ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है ई बी आई टी जो पैट है पंद्रह लाख वन माइनस टैक्स किया और इंटरेस्ट ऐड किया तो फाइनली आ गया ये आ गया ई बी आई टी और फिर सीधा ईवा निकाला ईवा कैसे निकाला ई बी आई टी वन माइनस टैक्स और नाइनटी फाइव तो ये आ गया ईवा नौ लाख पैंसठ हजार ए और बी में तो दिक्कत नहीं है अब अब क्या बोल रहा पॉइंट नंबर सी कुछ नया था बोले टेंडर लिमिटेड के पास छह लाख शेयर्स है हाउ मच डिविडेंड कैन द कंपनी पे बिफोर द वैल्यू ऑफ एंटिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग बोले आपके पास पैसा कितना बच गया था बोले नौ लाख पैंसठ हजार और छह लाख शेयर है नौ लाख पैंसठ हजार डिवाइडेड बाय छह लाख तो आपके पास जो सरप्लस था उसके हिसाब से आप एक-एक शेयर पे और बांट सकते हो 1.608 किस रूप में डिविडेंड के रूप में हालांकि इसको आप ईवा डिविडेंड भी बोलोगे तो चल जाए लेकिन अगर इससे ज्यादा बांटोगे ना बेटे तो खेल खत्म हो जाएगा जितना है उससे ज्यादा उससे ज्यादा नहीं बांट सकते तो 1.608 ये आपका आ जाएगा ईवा डिविडेंड आगे चले अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जटायो लिमिटेड फिर से क्या निकालना है हमको निकालना ईवा इकोनॉमिक वैल्यू एडिक्ट सर इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व है मतलब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे दिया है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के ही दे दिया है फाइनेंशियल लिवरेज भगवान क्यों दिया फाइनेंशियल लिवरेज और टैक्स रेट दिया स्टार्ट तो यस सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा नोपेट नोपेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा क्या चाहिए ईबीआईटी माइनस टैक्स पर समस्या यह है कि ईबीआईटी नहीं दिया है फाइनेंशियल लिवरेज दिया है और बचपन में फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था सर तो ईबीआईटी डिवाइडेड डिवाइडेड ईबीटी EBIT मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ और इंटरेस्ट ही तो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचा उसका कहेगा ए और ये दिया है वन पॉइंट फाइव इसकी मदद से क्या हम कुछ कर सकते हैं तो देखो किस तरह से काम हो ये तो सर सी एंटर वाला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT तो EBIT और हमारा इंटरेस्ट मालूम है चालीस लाख चार का दस परसेंट उसकी भाई ईबीटी कैसे होता है सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा उसकी हेल्प से ईबीआईटी आ गया 120 लाख अब इसकी मदद से हमारा क्या आ गया ई अब ईबीआईटी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे ईबीआईटी को यूज करके हम ईवा निकाल और ईवा आ गया एक हो जाएगा तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसके अलावा और भी एक दो क्वेश्चन है पर उसमें एसिड बीटा आया हुआ और एक क्वेश्चन है जिसमें प्रोविजन फॉर एडजस्टमेंट है वो सबसे लास्ट में करवाऊंगा अब आगे चले यस और आगे क्या बात करेंगे आगे बात करेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ ऑर्म की ठीक नया टॉपिक है अच्छा है सावधानी से करोगे इसी इसी पर टाइम लगना है बस इसी को मुझे अच्छे से समझाना वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ठीक है सर क्या है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस या वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म तो यार सीधी सी बात है मुझे बिजनेस की वैल्यू निकालना है अगर मुझे बिजनेस की वैल्यू निकालना है तो कितने मैथड्स है बहुत सारे मेथड्स है ऐसा नहीं है कि मैं जितने मेथड्स यहां लिखवाए हूं इसके अलावा और भी मेथड्स आपकी किताबों में नहीं लिखे लिखे हैं पर यह रिवीजन में उतना ही करो जितना है और उसे और रिवीजन क्या रेगुलर क्लास में भी मैं नहीं करवाता हूं ठीक है आता ही नहीं है बाकी नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं फेयर वैल्यू मेथड होता है मतलब छोड़ो ना सर करते अब बिजनेस की वैल्यू निकालना तो एक मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड उसमें होता क्या है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट एसिड मेथड क्या फर्क पड़ा क्या होता है सर होता यह है कि आज ही अगर मैं सामने वाली बिजनेस को खरीद रहा हूं तो बिजनेस को खरीद रहा हूं तो मैं क्या सोचूंगा अगर आज ही इसकी एसिड्स को बेच दिया जाए और लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाए तो नेट कितना मिलेगा जो मिलेगा एसेट्स बेचोगे आज जो मार्केट वैल्यू वो लेना है मतलब मार्केट वैल्यू लेना और लाइब्रेटी का आज ही पेमेंट करना मतलब कौन सा वैल्यू लेना पेबल वैल्यू उसके बाद जो बच गया वो क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस और एक होता है बुक वैल्यू मेथड सर बुक वैल्यू मेथड क्या होता है कुछ भी नहीं होता इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व बुक वैल्यू मेथड मतलब एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइब्रेटी इसमें भी करना है पर इसमें बुक वैल्यू पर करना है इसमें एसेट्स और आउटसाइड लाइब्रेटी करना पर कौन सी वैल्यू पर मार्केट वैल्यू पर करना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल तो सर इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता था यहां हमें डिविडेंड जो लेना है वो डिविडेंड पूरा डिविडेंड लेना वहां डिविडेंड पर शेयर लेते थे यहां जितना भी कंपनी डिविडेंड दे रही वो डिविडेंड लेना हालांकि एक ही बात है अगर मैं डिविडेंड एट द एंड ऑफ वन ईयर वन प्लस जी ठीक है सर के माइनस जी वैसे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल रहे हैं ना यहाँ केई माइनस जी ना होकर के ओ माइनजी होना चाहिए अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल इन सब का अंतर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आगे चलते जाओ प्राइज अर्निंग रेशो सर ईपीएस ईपीएस इंटू प्राइज अर्निंग रेशो बस ईपीएस की जगह यहां टोटल अर्निंग लेना ना। बस इतनी बात समझ में ही सर जहां जहां पर शेयर ले रहे थे वहां वहां टोटल लिया करेंगे लेकिन सबसे काम की चीज है ये वाला जो हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है प्री कैश फ्लो है यही मेथड पूरा की पूरा जो बेस है इसका तो एक आध क्वेश्चन होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब भी एक कंपनी को दूसरी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रहे हैं मैं दूसरी कंपनी को खरीद रहा हूं तो मेरा जो फोकस है वो कभी भी सामने वाली कंपनी के डिविडेंड वगैरह पर नहीं होगा मेरा फोकस होगा उसके कैश फ्लो पर फोकस ऑन अर्निंग पर नहीं अर्निंग लिखवा दिया पर इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो पर मतलब डिविडेंड पे फोकस नहीं होगा अर्निंग पे फोकस होगा अर्निंग की जगह मैं क्या लिखवा कैश फ्लो पर फोकस होगा सर फ्री कैश फ्लो पे ये फ्री कैश फ्लो क्या वो मैं समझा दूंगा टेंशन मत। काम करें दिस मेथड इज यूज्ड व्हेनेवर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड इज नॉट अवेलेबल ठीक है अब यार थोड़ा बहुत मैंने कैपिटल बजटिंग याद दिलाया था बच्चों को और कैपिटल बजटिंग याद क्यों दिलाया था क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी थी और क्वेश्चन ये था याद है एनपीवी निकालना आता है कि हाँ सर अभी रिवीजन में आप एनपीवी क्यों करवा रहे हो वो मैं आपको समझा दूंगा मैंने कहा यार कॉस्ट ऑफ तो प्रोजेक्ट है पाँच लाख और सी दिया है सर सी क्या होता ए अर्निंग अर्निंग बिफोर

जा क्यों? डिस्काउंटिंग आप करते हो WSAC, आप नोपेट लेके काम करते ये बात यार अभी तो समझाने से रहा। तो मैं CABT में से माइनस करूंगा। माइनस करते हो और फिर डेप्रेशिएशन प्लस कर देते ये आपको अच्छे से पता है वजह सिर्फ एक ही है कि डेप्रेशिएशन एक्सपेंसेस नहीं मानते हम कैश पैसा नहीं जाता पर टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए ये सारा काम हम करते हैं ठीक है सर जो निकलेगा वो सी एफ ए टी और फिर काम मतलब सर डेप्रिसिएशन बाद में एडबैक कर देते हैं कि यस डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया क्योंकि टैक्स का अमाउंट है ठीक है और ये जो कैश फ्लो आया सी एफ ए टी इसी को तो कैश फ्लो बोलते हैं इसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स यहां तक सभी बच्चों को निकालना आता है अब पिक्चर इसके बाद है अब सुनो सर तो फ्री कैश फ्लो क्या है कैश फ्लो क्या वही सीएफएटी होता है नहीं भाई नहीं फ्री कैश फ्लो कुछ और होता है अब समझो क्या होता है आपको ऐसे ही दिया रहेगा इबडा ठीक है क्या क्या माइनस नहीं हुआ इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ टैक्स माइनस नहीं हुआ डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन माइनस नहीं हुआ ठीक है अगर इसमें से मैं डेप्रिशिएशन माइनस कर दूं, एमेशन कुछ आएगा ही नहीं भाई ठीक है अगर मैं डेप्रिशिएशन माइनस कर दूं, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो शब्द आएगा उसका नाम रहेगा ईबीआईटी e ठीक है सर बात समझ में आई डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया मजबूरी थी सर जो डेप्रिसिएशन माइनस किया वो बाद में प्लस करोगे कि बाद में प्लस करूंगा थोड़ा सा रुक फिर टैक्स माइनस कर दिया तो जो आया इंटरेस्ट कभी भी माइनस नहीं होगा वैल्यू ऑफ फर्म निकालते समय क्यों माइनस नहीं होगा क्योंकि मैं डब्ल्यू एस सी सी से डिस्काउंटिंग नोपेट याद है ईवा कर रहे थे हाँ सर तो हमने सीधा इंटरेस्ट माइनस नहीं किया था लेकिन बाद में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक माइनस होता था वही काम है सर टैक्स माइनस करोगे तो क्या जाएगा नोपेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ तक आता था अब सर डेप्रिशन बैक कर देंगे तो सीएफ आ जाएगा अब देखो ध्यान से ध्यान से देखना बेटे ये मतलब सर नोपेट आ गया है यस डेशन एड बैक कर देंगे यस yes. तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा सी एफ yes. यही तो हुआ था ये नोपेट था जो डेप्रीसिएशन एड बैक कर दिया तो वो आ गया था सी एफ सुनना ध्यान से क्योंकि हम जिस कंपनी को जिस बिजनेस को खरीदने उसमें हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर होने है. हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर okay. और सर हर साल वर्किंग कैपिटल भी लगना है तो यार उस कैश आउटफ्लो है ना सर हाँ तो सर हम कैश आउटफ्लो तो अलग से दिखाते हैं तो क्वेश्चन ये है कि कैश आउटफ्लो आप अलग से दिखाई क्यों रहा हर बार कैश आउटफ्लो अलग से दिखा रहे हो कौन से कैश आउटफ्लो जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर शुरू में ही लेते जैसे इस क्वेश्चन की बात करो इसमें तो सर ये जो एग्जाम्पल किया था ना उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार था पाँच लाख रुपए कैपिटल बस्टिंग है लेकिन जब आप किसी बहुत बड़ी कंपनी खरीदते हो तो हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर लगते हैं तो फिर एक दूसरा तरीका है यार एक काम करते हैं ना जब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस ही करना है हर साल माइनस करना तो इसी स्टेटमेंट में कर देते दिक्कत क्या है तो इसमें से सी एफ में से मैं क्या माइनस करूंगा माइनस करूंगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल लगने वाले हैं और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल भी हर साल लगने वाली चेंज इन वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल और इसके बाद जो कैश फ्लो आएगा अब मैं कहूंगा कि अब हम फ्री हो चुके अब इसमें से कुछ माइनस नहीं करना अब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस नहीं करना है तो सर इस सी एफ कैश फ्लो क्यों नहीं बोल रहे थे क्योंकि इसमें से अभी मुझे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना था पांच लाख रुपए लेकिन जब बात आती है इसकी तो अब इसमें से मुझे कुछ माइनस नहीं करना इसलिए हम कहते थे फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म

कैपिटल एक्सपेंडिचर में से डेप्रिसिएशन यही माइनस देखो ये प्लस हो रहा है तो इसको इसी में से माइनस करके जो नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लिख दीजिए ना दिक्कत क्या है बात समझ रहे हो ना डेप्रिसिएशन तो, को बैक मत कीजिए माइनस नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दीजिए और माइनस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा बात खत्म और उसी को ना यहाँ देखो यहाँ नोपेट तक निकला अब ये फॉर्मेट है ना यार ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे समझाना चाहिए ही नहीं एक्चुअल में क्योंकि ऑलरेडी ढंग से समझाया हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डिप्रिशिएशन ये लिख दिया और फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये लिख दिया तो फाइनल ये आ गया और इसका नाम है एफ सी एफ ठीक है जी चले आगे यस अब देखो ये आता है आपने ये किया हुआ तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है यार फर्स्ट ईयर में एफसीएफ बोल दिया लाख लाख फिर ईयर में 12 और थर्ड ईयर में ट्वेंटी लाख और इसके बाद और हो गया लाख और मैं कहता हूँ चलो वैल्यू निकालो डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना है सर डिस्काउंटिंग मान लो कितने परसेंट से करना दिया होगा डिस्काउंटिंग मान लो बारह परसेंट से करना ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल करवाने की कोशिश की तो इसको बोलते थे आप स्टेज वन और इसके बाद जो हमसे परपेचुअल होता था उसको बोलते थे आप स्टेज टू परसेंट से डिस्काउंटिंग स्टेज वन का वैल्यू ये आ गया और स्टेज टू का जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू मतलब यार इसके बाद जितना वैल्यू ना कैश हां, उसको अब टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं जी तो, FCFF4, KO -G, तो ये वैल्यू आ गया दिस इज टर्मिनल कैश फ्लो टर्मिनल कैश फ्लो और फिर उसको मैंने डिस्काउंटिंग कर दिया तो ये आ गया आंसर और इन दोनों को ऐड कर दिया दिस इज वैल्यू ऑफ बिजनेस अब सर अब कुछ नहीं है अब कुछ नहीं है। अब तो वही करना है जो हमने किया था कहां किया था वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालती एग्जांपल और ले रहा है एग्जांपल नंबर थ्री सेल्स दिया है पच्चीस लाख वेरिएबल कॉस्ट है थर्टी परसेंट और फिक्स कॉस्ट है दो लाख इसमें डेप्रीसिएशन जुड़ा नहीं मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो वो जो आएगा वो आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो भी बोलते हो ठीक फिर डेप्रिशिएशन भी माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा ए बी आई टी फिर ठीक है सर हमें क्या निकालना एफ सी एफ फ्लो अब सुनो मैं या? कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था बच्चों को बच्चों को दो चीजों में दिक्कत हो रही थी एक शब्द है एफ सी एफ एफ और एक शब्द आ रहा था एफ सी एफ मतलब सर ये किसके लिए पैसा अवेलेबल है ये दोनों के लिए ये डेट प्लस इक्विटी के लिए और एफ सी एफ एफ है फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी और ये सिर्फ किसके लिए इक्विटी तो मैं बच्चों को ये इन दोनों में अंतर समझाने की कोशिश कर रहा था कि जहां इक्विटी की बात आएगी वहां डेट का इंटरेस्ट भी माइनस हो और जहां दोनों के लिए निकाल रहा है वहां डेट का इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा ये समझाने की कोशिश कर रहा था तो देखो यहां मैंने कहा कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये एफ -E भी नाम सुना है ये क्या होता है तो मैंने कहा ये होता है एफ सी एफ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ई और इंटरेस्ट भी माइनस किया अगर इंटरेस्ट माइनस है तो जो लास्ट में निकलेगा वो एफ तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस डेप्रिसिएशन और डब्ल्यू एस चेंज इन वर्किंग कैपिटल बेटे यहाँ भी मालूम है किसका पोर्शन माइनस किया जाएगा इक्विटी का पोर्शन माइनस किया जाएगा एक क्वेश्चन आएगा आगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल इसमें भी हमको डेट इक्विटी रेशियो देखना पड़ता है खैर अभी मैं टेंशन लो इस बात की बस एक बात याद रखो कि यार यहाँ जो है यहाँ इंटरेस्ट भी अगर माइनस हो रहा तो वो जो आया वो आया एफ सी एफ ई लेकिन बात जहां एफ सी एफ एफ की होती है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा ये आ जाएगा FCFF और फिर दोनों में मैंने अंतर भी समझाया यार वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है तो हमको यूज किया जाता है FCFF और जहां वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो वहां यूज किया जाएगा एफ सी एफ ठीक है और जो निकलता है उसको डिस्काउंटिंग यहां किससे करते हैं डब्ल्यू एस सी सी क्योंकि ये क्या निकला एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ को डिस्काउंटिंग किससे करते हैं से जो ये निकलता ये निकलता वैल्यू ऑफ फर्म और ये जो निकलता इसको बोलते है हालांकि वैल्यू ऑफ इक्विटी हम ऐसे नहीं निकालेंगे एग्जाम में हम सीधा क्या करेंगे जब भी पूछेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए तो वैल्यू ऑफ फर्म में से सीधा सीधा वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है ठीक? बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश मत करो अभी आपके पास टाइम नहीं है टाइम कम है यार चलो सर वेरीफाई करके देखते कुछ वेरीफाई करके नहीं दे सीधी सी बात है वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछेगा तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे डेट माइनस करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर में दिया क्या है सर ई दिया है तीन लाख तीन लाख रुपए टैक्स का रेट है फोर्टी परसेंट तो नोपेट आ जाएगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है सेवेंटी फाइव थाउजेंड और डेप्रिशन भी है सेवनटी फाइव थाउजेंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं है तो भाई क्या होगा कुछ नहीं होगा ये भी जी जो नोपेट होगा वही एफ सी एफ एफ होगा सर ऐसा क्यों मैं शब्द यूज कर रहा हूँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशिएशन अमाउंट जब भी बराबर होगा और वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो जो नोपेट होगा वही एफ सी एफ एफ हो जाएगा कभी कभी ऐसा आता है शब्द कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशन आपस में ऑफसेट हो जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल एग्जांपल नंबर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एग्जांपल को प्लीज अच्छे से कर लेना हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकालना तो उस मैटर पे भी हम बात नहीं करेंगे सिर्फ हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना अच्छे से कर लेना इस एग्जाम्पल को प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार रीड करो क्वेश्चन पढ़े यस प्लेस सर बेस ईयर का मतलब आज की बात जो हो चुका है डी जीरो बोलते थे ना वो वाली बात बोले आज सेल्स कितना हुआ है बोले आज सेल्स हुआ है पांच लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना बोले वो है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और इसी में डेप्रिशिएशन जुड़ा हुआ है अगर नहीं भी बोलता तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब डेप्रिशिएशन ऐड रहता है उसमें वन ट्वेंटी फाइव सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में माइनस कर दूं तो वो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा उसका नाम रहेगा ईबीआईटी टैक्स माइनस करेंगे तो सर क्या नाम आएगा नोपेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन दिया है हमें नेट लेना होता है अगर मैं बोलूं नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन कितना है सर 14145000 माइनस 30 था। तो सर ये 150000 वन लैख फिफ्टी सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंड बोले सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से ग्रो होगे बोले ट्वेंटी परसेंट से कितने साल में तीन साल में और उसके बाद बोले टेन परसेंट पर एनम हो जाएगा पर पेचुआ सोचेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशिएशन ग्रो होगा पंद्रह परसेंट से तीन साल में और उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है फोर्थ ईयर से कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन बोले जितना डेप्रिसिएशन लगता उतने का ही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे मतलब जितनी वैल्यू जितना एसेट्स कम होगा उतना एसेट्स से बढ़ा देंगे वर्किंग कैपिटल ये ये परेशान करता है इज हल्के में मत लेना वर्किंग कैपिटल जो है वो सेल्स का आपको 10% रखना है सेल्स का टेन परसेंट रखना वर्किंग का जितना सेल्स होगा रखना है खरीदना है मैं ये नहीं बोल रहा हूं मतलब सर जो पहले से वर्किंग कैपिटल है वो तो रहेगी और सेल्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा कितना लगना ये आपको सोचना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है के कितना है सर फिफ्टीन परसेंट आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फार्म तो सबसे पहला काम क्या करें सबसे पहले एफ सी निकाल चलो तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स अभी कितना है फाइव कितने परसेंटेज से बढ़ाना है फाइव लैख को ट्वेंटी परसेंट से तो सर वन पॉइंट टू जीरो इंटू फाइव लाख ऐसा कर ले यस yes. आंसर कितना आ गया सिक्स लैख फिर इक्वल टू करेंगे एट लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड आगे रुक जाना यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि शुरू में तीन साल तक कितने परसेंट से बढ़ाना है ट्वेंटी परसेंट उसके बाद टेन परसेंट तो फिर करेंगे इंटू वन पॉइंट वन जीरो 1.10 तो आंसर आएगा 9504 उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो में तो ये आ गया एबिट माइनस टैक्स किया तो 90 आ गया 90 तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिर सर कैपिटल एक्सपेंस 15% से ग्रो हो रहा है मतलब 1 लाख 15000 तो 1.15 1 लाख नहीं हां 1.15 सर ठीक है इक्वल टू ये और यहाँ जीरो आएगा इस पर ध्यान रखना इसको मत बढ़ा देना क्योंकि लिखा है कि फोर्थ ईयर और उसके बाद से कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशिएशन सेम रहेगा अब आ गया चेंज इन वर्किंग कैपिटल इसके लिए कब हमेशा प्लीज यार क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं इसके लिए हमेशा वर्किंग नोट बना लिया करो हमेशा बना लिया ठीक है सर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले स्टार्ट जीरो से करना क्यों सर वो मैं बताऊंगा ना और जीरो का सेल्स कितना दिया है सेल्स दिया पांच लाख तो पांच लाख फिर छह लाख सेवन लाख ट्वेंटी एट सिक्सटी और नाइन फाइव और वर्किंग कैपिटल कितना रखना है बोले टेन परसेंट सेल्स का तो सेल्स का टेन परसेंट निकल देना टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट टेन जीरो को तो छोड़ दो अब वर्किंग कैपिटल ध्यान से देखो पहले था फिफ्टी थाउजेंड अब रखना है सिक्सटी थाउजेंड तो वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ गया और अब है सेवेंटी मतलब वर्किंग कैपिटल और कितना लग रहा है आपको ट्वेल्व थाउजेंड सर वर्किंग कैपिटल भी ट्वेंटी परसेंट से बढ़ाते है ना यार टेन थाउजेंड सेल्स ट्वेंटी परसेंट से बढ़ा देखो बच्चों का दिमाग कैसे चलता तो सेल्स तो ट्वेंटी परसेंट से बढ़ा तो चलो ना वर्किंग कैपिटल भी ट्वेंटी परसेंट से बढ़ाते मत कर देना यार आराम से करो एक अटेम्प्ट रुक जाएगा इस चक्कर में जल्दबाजी के चक्कर में टेन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट यस आ तो गया सर लेकिन अगला नहीं आएगा ना बच्चे इसलिए प्लीज ये स्टेटमेंट बना लिया क्योंकि क्यों नहीं आएगा आपको मालूम है क्योंकि ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है ठीक है सर तो ये स्टेटमेंट बनाने में क्या दिक्कत है आपको और फिर उसको हम यहां पुट करेंगे तो ये आ गया एफ एफ अब ये हो गया मेरा स्टेज नंबर वन और इसके बाद आ जाएगा स्टेज नंबर टू परपेचुअल और परपेचुअल से काम करोगे तो ये आ गया मेरा टर्मिनल वैल्यू कैश लो या वैल्यू ऑफ बिजनेस कौन से ईयर का थर्ड ईयर का और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो वन टू थ्री और ये लास्ट थर्ड ईयर आंसर आ गया सिक्स नाइन थ्री थ्री सिक्स वन ठीक है कुछ स्पेशल नहीं है सिंपल है ठीक है सर मजा आया क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखेंगे देखें बिना क्वेश्चन के काम नहीं हो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अच्छा क्वेश्चन पढ़े यस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए हायर रेट फॉर फोर इयर्स बोले तो यार चार साल तक ग्रोथ रेट थोड़ा सा हायर रहेगा और उसके बाद इस्टेब्लिश हो जाएगा ठीक है भाई परपेचुअल पेस ये इंफॉर्मेशन सेल्स दिया है ई बी आई टी दिया भाई सेल्स दिया है ई बी आई टी ई बी आई टी दिया तो सेल्स दिया ही क्यों समझ में नहीं आता भाई जब ई बी आई टी दिया है तो सेल्स क्यों दिया है मुझे क्योंकि हम तो ई बी आई टी से स्टार्ट कर देंगे सेल्स थोड़ी नहीं लिखेंगे ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया डेप्रिशिएशन दिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो हमको एडी पता लग गया इंफॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ हाई ग्रोथ मतलब चार साल और उसके बाद स्टेबल ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी रेवेन्यू में भी पहले चार साल तक बीस परसेंट का ग्रोथ है और ईबीआईटी में भी बीस परसेंट का ग्रोथ है तो एक बात तो कंफर्म होगी कि मैं मेरी स्टेटमेंट में सेल्स लिखूंगा ही नहीं सीधा सीधा मैं ए बी आई टी लिखूँ ए बी आई टी से स्टार्ट करूँ और फिर बोले चार साल के बाद ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा बोले हो जाएगा उसके बाद टेन परसेंट ठीक है जी बहुत अच्छी बात और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिशिएशन में ग्रोथ इसमें भी ट्वेंटी परसेंट है और उसके बाद उसके बाद लाइन इंपॉर्टेंट है लाइन इंपॉर्टेंट है बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट कर देगा डेप्रिशिएशन को मतलब दोनों ही बराबर हो जाएगा आर एफ टेन परसेंट ओह ये भी अलग अलग है बात समझने की कोशिश करो बच्चे ये अलग अलग है मतलब मतलब सर सीधी सी बात है स्टेज वन के लिए डब्ल्यू अलग निकलेगा और स्टेज टू के लिए डब्ल्यू अलग निकले हमें डिस्काउंटिंग के ओ से ही करना है डब्ल्यू से ही करना है क्यों क्योंकि हम निकाल रहे हैं एफ और एफ की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं वर्किंग कैपिटल के लिए लिखा कि रेवेन्यू का हमको कितना परसेंट रखना बोले ट्वेंटी फाइव परसेंट रखना है और टैक्स का रेट है थर्टी परसेंट ओ हो इसलिए हमें रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल निकालना होगा और हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ फ़ॉर्म या वैल्यू ऑफ बिजनेस सर पहले एक काम करना डब्ल्यू डब्ल्यूसीसी वाला काम खत्म करते पहला काम डब्ल्यू सी सी मेरे मेरा मन वो कर रहा है पर इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ एफ सी एफ एफ किया से स्टार्ट करेंगे कितना है? 300, कितने परसेंट से बढ़ाना है ट्वेंटी परसेंट थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेंटी परसेंट थ्री सिक्सटी बिल्कुल बढ़ाते तो हुए चले और यहाँ टेन परसेंट होगा सिक्स सिक्स टू टू पॉइंट जीरो एट प्लस टेन सिक्स एटी फोर हाँ जी वैसे ही उसके बाद क्या हुआ सर उसके बाद टैक्स माइनस हुआ नोपेट आया कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीसिएशन कितना था यार एटी था वो भी ट्वेंटी परसेंट से बढ़ा एटी इंटू ट्वेंटी परसेंट ये सर वन पॉइंट टू इंटू एटी नाइनटी सिक्स ठीक है सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यहां याद रखना ये वाला पॉइंट यहां जीरो हो जाएगा बोला था ठीक उसके बाद जो आया चेंज इन वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए प्लीज यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं वर्किंग नोट बना लिया करो तो बेस ईयर में 2000 था फिर 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट और वर्किंग कैपिटल यार ट्वेंटी रखना तो 25 25 20 सेल्स का 25 अब चेंज निकाल रहा हूं 100 ये चेंज 120 ये चेंज वन ठीक है सर और फाइनल मैंने यहां लिख दिया तो ये आ गया मेरा एफ सी एफ अब इसको डिस्काउंटिंग करना ये टर्मिनल वैल्यू निकलेगा इससे पर इन सब के लिए सबसे पहले के ओ चाहिए तो सबसे पहले जो के ओ निकाला जा रहा है वो हाई ग्रोथ मॉडल के लिए हाई ग्रोथ मतलब पहले चार साल सर पहले चार साल की बात करें कि यस आरएफ दिया है बीटा दिया है इक्विटी ठीक है आरएम दिया है प्री टैक्स दिया है तो इसको हमको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा और टैक्स का रेट कितना है भाई साहब टैक्स का रेट है थर्टी तो सबसे पहले आपने के निकाला टेन सिक्स इंटू वन पॉइंट वन फाइव तो सिक्सटीन पॉइंट नाइन आ गया और के निकाला नाइन पॉइंट वन अब डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है यस yes, वन मतलब पॉइंट फाइव तो ये आ गया डब्ल्यू ये निकालना आता है

चले जी आगे यस yes, सर आगे चलते क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ भी है क्या लिखा है वैल्यूएशन ऑफ हंसल लिमिटेड हैज बीन डन by एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश flow 54 lakh लैख क्या कहना चाहता बोले वैल्यूएशन हो चुका है सर आपको तकलीफ की जरूरत नहीं है और वैल्यू ऑफ बिजनेस या वैल्यू ऑफ फर्म निकाल चुके हैं फिफ्टी फोर लैख हमने क्या कैसे निकाला तो बोले वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का सिंपल है एफसीएफ डिवाइडेड बायो माइनस जी ऐसे ही निकाला होगा हमने ठीक है और ये FCF सी एफ ईयर का लिया होगा उसके हिसाब से हमने निकाल निकाला ठीक है भाई एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट नाइन परसेंट ठीक है तो बोले ये जो ग्रोथ रेट लिया ना ये हमने नाइन परसेंट लिया ठीक है भाई करना क्या कहना क्या चाहते हो ये बता दो और वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं 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 नहीं, 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 नहीं ये वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं अब अभी सुनो 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 बेस्ड एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फिफ्टी फोर लैख ये दिया है फिफ्टी समझने में गलती हो गई थी वैल्यूएशन डन किया है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एफ सी एफ है फिफ्टी फोर लैख्टी फोर लैख क्या है? एफ एफ है और यहां देखो यहां बोले वैल्यू जो निकाला है ना वो निकाला है ये निकाला है हमने अठारह सो तो लाख अठारह सो लाख रुपए निकालना है एफसीएफएफ ये लिया था ग्रोथ रेट नाइन परसेंट ठीक है भाई अच्छा है बोले नहीं लेकिन हमसे एक गलती हो गई उससे गलती हो गई और उसने क्या किया ये जो के ओ निकाला ना वो ये वाला जो के ओ निकाला ये गलती कर दिया और कौन से वाले वेट से निकाल लिया बुक वैल्यू वेट से निकाल लिया बुक वैल्यू वेट से जबकि निकालना किससे होता है निकालना होता है मार्केट वैल्यू एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ करना है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है सर तो बुक वैल्यू वेट

और के ओ कैसे आता है सर के ई इन टू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी क्या हमें ये मालूम है ये मालूम है इसको वन ले लेते इसको वन माइनस वेट ऑफ पे लेते याद है किया है हमने पोर्टफोलियो में खूब करते थे तो सर इसकी मदद से हमें फिर वेट निकल जाएगा यस और वेट जो निकलेगा वो वेट कौन सा निकलेगा वो वेट निकलेगा बुक वैल्यू ठीक है सर और जैसी बुक वैल्यू है ना तो बोले जैसे पता लगेगा ना बुक वैल्यू वेट तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या लेना तीन गुना ज्यादा लेना बुक बुक वैल्यू 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 से मार्केट वेट वेट जो निकलेगा उससे थ्री टाइम्स ले लेना इक्विटी का वैल्यू और जो डेट का लेना बोले डेट का मार्केट वैल्यू क्या होगा बोले नाइन टेंथ नाइन जो उसका बुक वैल्यू निकलेगा उसका नाइन बायथ ठीक है देख लेंगे तो बताइए करेक्ट और उसके बाद फिर वैल्यू निकाल सर तो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है यार ये ट्रिक दे रहा ट्रिकी है ट्रिकी क्वेश्चन है कुछ है ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कुछ सीखने के लिए था ही नहीं बस एक ही बात सीखने के लिए है कि भाई जब भी बिजनेस का वैल्यू निकालोगे आप मार्केट वैल्यू वेट अप्रोप्रिएट वेट हो सर तो होता क्या है बुक वैल्यू मार्केट ये एंटर में पहुंचिए वहां पता लग जाए ठीक है सर तो करेगा तो सबसे पहले 1850 ये के निकालना है ये क्यों निकल जाएगा और हिसाब से के कितना आ गया है ट्वेल्व परसेंट और फिर जब के को मैंने यहाँ 12 लिखा तो फाइनली मुझे वेट निकल गया ये ये वन माइनस डब्ल्यू करके वेट निकल गया और वेट ऑफ इक्विटी निकला 20 परसेंट और वेट ऑफ डेट निकला 80 परसेंट ठीक आगे चले हम लोग तो हमारा केई मालूम है हमको के डी मालूम है बस केई नहीं वेट वेट ऑफ इक्विटी मालूम है और वेट ऑफ डेट मालूम है बस बोल रहा जितना वेट था बुक वैल्यू उससे तीन गुना ज्यादा मार्केट वैल्यू ले लेना जितना था डेट का वेट उससे नाइन बाय टेन ये ले लेना इन दोनों को टोटल मारा मारा तो वन पॉइंट थ्री टू आ गया अब एक्यूरेट वेट निकालना आता आपको दिस डिवाइडेड बाय दिस तो ये वेट आ गया दि� और मल्टीप्लाई किया तो के ओ आ गया नया वाला के ओ और नया वाला के ओ से फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लिया मैंने मेरे ख्याल से क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो से बन जाएगा क्वेश्चन अगर पहले किया है तो आपको याद आ जाएगा हाँ यार ऐसा करते और पहली बार पढ़ रहे हो तो मेहनत लगेगी फिर समझने में रुक रुक के करना पड़ेगा और पता भी नहीं पूरा समझ में आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन यहीं से स्टार्ट हो गए क्या ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पढ़ेगी सर यस yes. लिखा हुआ ईगल लिमिटेड रिपोर्ट ये क्वेश्चन अच्छा है हालांकि ये क्वेश्चन अकाउंटिंग का है यार पर चलो यार आया है तो कर लेते लिखा ईगल लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट लिखा सेवनटी सेवन लैख आफ्टर टैक्स बोले सतहत्तर लाख सेवेंटी सेवन लाख जो प्रॉफिट है वो है आफ्टर टैक्स और टैक्स का रेट है मतलब टैक्स माइनस करने का हाँ सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबको समझता है जो कोई एनालिसिस किया किसी ने किसका अकाउंट का उससे पता लगा कि इनकम में इंक्लूड है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम आठ लाख जो आगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम में जुड़ा हुआ है मतलब सर ये आगे इनकम नहीं होगी नहीं भाई लॉटरी लगी है तो जरूरी थोड़ी है कि लॉटरी लगी तो आगे भी लॉटरी लगेगी अगर मैं फ्यूचर का कैश फ्लो तो निकालने की कोशिश और आग लग गई थी दस लाख की वो लॉस माइनस हुआ तो आगे थोड़ी ना आग लगेगी अगर मैं कहना जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होगा हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम यही तो निकाल जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होगा ठीक है सर आगे क्या लिखा है आगे लिखा है ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्रॉनरी आइटम आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू इन फ्यूचर बोले फ्यूचर में जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से जितना प्रॉफिट हो रहा था वही आगे भी होगा सिवाय एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम के नहीं भी बोलते तो हम समझ जाते इसके अलावा बोले हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट से हमारा सेल्स मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट लेबर और फिक्स दिया हुआ है है ठीक मतलब सर फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर में जो पहले से था वो तो हो गई और नया प्रोडक्ट से अलग होगा मांग क्या रहा बोले हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है फोर्टीन परसेंट कहीं भी कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिशिएशन वेप्रिशिएशन की बात नहीं लिखी है हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल तो निकाले सबसे पहले बात किसकी करेंगे एफ तो सर पहले आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ या तो उसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा बात समझने की कोशिश करना या ये आठ लाख को आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा लॉस को आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा उसकी अपेक्षा भाई सिंपल ऐसा करो जो सेवनटी सेवन आफ्टर टैक्स उसको बिफोर टैक्स बना लेते उसको मैंने बिफोर टैक्स बनाया तो कितना आ गया 110 लाख एक सौ दस लाख लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब इसमें जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है सर इसमें जुड़ा हुआ है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो फ्यूचर में नहीं बोला उसको माइनस कर देंगे और जो लॉस हुआ उसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और नया प्रोडक्ट भी तो है और नया प्रोडक्ट्स का क्या सीन है भाई क्या क्या आ रहा है बोले नया प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा है सर उससे सेल्स हो रहा सत्तर लाख का मटेरियल सेल्स में से ये सब खर्चे माइनस कर देंगे तो ये भी एक प्रॉफिट आएगा ट्वेंटी तो एट गया टोटल प्रॉफिट वन फोर जीरो लैक्स और उसमें से थर्टी परसेंट टैक्स माइनस किया तो कितना आ गया नाइनटी एट लैक्स ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब ना तो कुछ डेप्रिशन की इन्फॉर्मेशन है ना तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसी को मैं एफ सी एफ एफ मान के सीधा कैपिटलाइज कर दू और क्वेश्चन तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आज वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना गया सात सौ ला हंड्रेड ठीक और क्या मांगा था क्वेश्चन और मांगा था एमपीएस एमपीएस वो कैसे निकलता है सर ईपीएस इंटू प्राइजनिंग रेशो प्राइजनिंग रेशो दिया है टेन टाइम्स ठीक है भाई ईपीएस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा और जो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बचेगा वो बचेगा अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा ईपीएस और फिर प्राइजनिंग रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो टाइम पास था तो सर पैट दिया है माइनस पी डी तो अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस एंटरप्राइजिंग रेश्यो तो यहाँ क्या आ गया एमपीएस ठीक प्लीज उस क्वेश्चन को भी देख के जाना ये क्वेश्चन 24 एग्जाम में आया हुआ था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 एक बार रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 24 बड़े, तब ब्रेक नहीं लोगे लूँगा लूँगा वेट करो देखा टी लिमिटेड रिसेंटली मेड प्रॉफिट का प्रॉफिट है पचास करोड़ का प्रॉफिट कमाया मतलब तो अर्निंग्स बोल सकते ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल और उसमें से चालीस करोड़ रुपए डिविडेंड भी दे दिया तो ये सर ये डिविडेंड यस पैड सब लिखा तो डी 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 जीरो जैसे हो और यह है प्रॉफिट ठीक है ये अर्निंग्स बोल दो तो चल जाए स्लाइटली हायर देन द एवरेज पैट इन द इंडस्ट्री में जितना डिविडेंड पैट करते उससे ज्यादा हमने पैट किया थोड़ा सा एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो भी दिया है नाइन ठीक है भाई नाइन एस पर बैलेंस शीट ऑफ टी लिमिटेड शेयर होल्डर्स फंड है दो सौ पच्चीस करोड़ और नंबर ऑफ शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर्स है टेन करोड़ ठीक है नेट दो सौ पच्चीस करोड़ ये अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो जो बिल्डिंग है जितने की बिकना है उससे हंड्रेड करोड़ की ज्यादा बिकेगी और स्टॉक जितने का बिकना है उससे ट्वेंटी फाइव करोड़ कम आएगा अदर डेटा दे रखा है डिविडेंड का ग्रोथ रेट दिया है आर एफ दिया है आर एम दिया है डिविडन ये मांग के रहे हो भाई बोले तो बीटा है वन पॉइंट टू ये भगवान मांग क्या रहे हो ये बताओ बोले तो हमें निकालना वैल्यू ऑफ टी लिमिटेड यूजिंग प्राइस अर्निंग मॉडल प्राइस अर्निंग मॉडल अर्निंग इनटू पी रेशियो अर्निंग है पचास करोड़ इनटू पी रेशियो है तो आंसर तो आ गया होगा पचास इंटू नाइन चार सौ पचास करोड़ खत्म कहानी ग्रोथ नहीं dividend yield और शब्द आएगा तो उसमें growth हमको add नहीं करना है मतलब सर जो डिविडेंड पैड हो चुका है वही उठाना है और उसको छह परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है dividend yield अलग होता है, डिविडेंड ग्रोथ अलग होता है तो जो डिविडेंड है उसको छह परसेंट से डिस्काउंटिंग करोगे तो वैल्यू आ जाएगा ठीक हाँ अगर डिविडेंड ग्रोथ बोला तो डिविडेंड ग्रोथ बोलेगा तो फिर हमको काम करना पड़ेगा फिर फॉर्मूला लगेगा डी जी डिवाइडेड बाय सर आर एम दिया है बीटा दिया है तो के भी निकल जाएगा ग्रोथ रेट छह परसेंट है और डिस्काउंटिंग किससे करोगे डिस्काउंटिंग के माइनर जी हो जाएगा ग्रोथ रेट छह परसेंट नहीं है गलत है ग्रोथ रेट है चार परसेंट हो जाएगा काम तो आंसर आ गया ये फाइव ट्वेंटी ये हमने निकाला और उसके बाद किससे बोला बुक वैल्यू सर बुक वैल्यू से बुक वैल्यू उठाकर लिख देना दो सौ पच्चीस करोड़ और उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर तो बुक वैल्यू जो था उसमें बिल्डिंग का सौ करोड़ ज़्यादा मिलेगा मतलब यार एसिड बढ़ा हो चाहे इधर नेटवर्थ बोला एक ही बात है और पच्चीस करोड़ स्टॉक का कम मिलेगा तो ये आ गया नेट रियलाइज टाइम पास क्वेश्चन था आ गया था किसी अटेम्प्ट में तो हमने कर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद बात करेंगे यस सर अच्छा तो स्टार्ट करें पढ़ना यस सर पढ़ते क्वेश्चन अच्छा है और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये इस नाम से फेमस है वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी सर पढ़ते तो समझ में आए लिखा हुआ है एबीसी इज कंसिडरिंग न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी ठीक है सर मतलब सर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो और कोई स्ट्रैटेजी को कंसीडर करने का इवैल्यूएशन करने का सोच रहे हो कोई न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी हाँ सी ऐसा ही कुछ है आगे बढ़े दैट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट फोर इयर्स सर इसका मतलब क्या है बस इसका मतलब समझा सकते हो क्या इसका मतलब ये है कि यार अभी मैं बिजनेस कर रहा हूं ध्यान से समझना और अभी क्या मैं कर रहा हूँ सर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है ठीक ठाक बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं और फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ अब मैं ये सोच रहा हूँ यार क्यों ना कुछ नया किया जाए मार्केटिंग वार्केटिंग टीम से बात किया तो उन्होंने कहा यार एक काम करो आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करो तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे और वाकई मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े लेकिन यार एक समय बात तो इस्टेब्लिश हो जाएगा ना इट मीन्स बढ़ेगा चार साल तक और अब एक एक समय बाद हर एक मार्केट स्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि मार्केट में उतनी डिमांड भी होनी चाहिए ना मैं कहूंगा कि मेरे पास दस हजार बच्चे पढ़ने आएंगे जितना ज्यादा एक्सपांड करूंगा ऐसा नहीं होता एक लिमिटेशन है हर चीज का तो वही बोल रहा है ग्रोथ होगा चार साल बाद और चार साल बाद इस्टेब्लिश हो जाएगा बस वो यही कहना चाहता हूँ देट विल वैलिड फॉर नेक्स्ट फोर ईयर्स दे वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रैटजी तो न्यू स्ट्रेटजी की वैल्यू बताइए बोल रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर विच हैज और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पढ़ लें इंफॉर्मेशन क्या सेल्स दिया है जीपी मार्जिन दिया है ट्वेंटी परसेंट ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस दिया टेन परसेंट टेन परसेंट किसका टेन परसेंट सेल्स का है पीबीटी दिया है टैक्स दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन में फिक्स एसेट्स है करंट एसेट्स है और इक्विटी है इफ इट एडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजी बोल रहा है अगर हम न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट करते हैं तो सेल्स जो है वो ट्वेंटी परसेंट से बढ़ेगा कितने साल तक तीन साल तक तीन ही साल तक ट्वेंटी 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 से बढ़ेगा अब तीन साल बोला तो तीन साल से ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट से बढ़ा देंगे और चौथे साल से जो कैश फ्लो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा मतलब तीन साल तक ट्वेंटी से बढ़ेगा फोर्थ ईयर से स्टैब्लिश हो जाएगा इसलिए वैलिड फॉर फोर ईयर लिखा अब आगे लिखा जीपी मार्जिन मतलब ये ट्वेंटी परसेंट ही रहेगा एसिड टर्नओवर ओवर रेशियो एसिड टर्नओवर ओवर रेशियो कैसे सर टर्नओवर ओवर डिवाइडेड बाई एसेट टर्न ओवर डिवाइडेड बाई एसिड टर्न मतलब सेल्स और कौन सा एसिड सर टोटल एसेट हाँ तो टर्न ओवर डिवाइडेड बाई फिक्स एसिड रेशो टर्न ओवर डिवाइडेड ठीक है सर बीस हजार डिवाइडेड बाय आठ हज़ार तो सर अगर कहूँ फिक्स एसिड टर्न ओवर रेशो है टू पॉइंट फाइव और करंट एसिड टर्न ओवर रेशो भी निकालूँ कि बीस हजार डिवाइडेड बाय फोर थाउजेंड सर ये है फाइव आप चाहो तो टोटल एसिड टर्न ओवर भी रेशो भी निकाल सकते हैं बोले एसिड टर्न ओवर रेशो और कैपिटल स्ट्रक्चर और इनकम टैक्स रेट चेंज नहीं होगा कहना क्या चाहता है सर कहना यह चाहता है भाई कि सेल्स के बढ़ने से फिक्स एसेट्स भी बढ़ेगा और करंट एसेट्स भी बढ़ेगा करंट एसेट्स का मतलब वर्किंग कैपिटल डेप्रेशिएशन वुड बी टेन परसेंट ऑफ नेट फिक्स एसेट डेप्रेशिएशन लगाना है दस परसेंट और डेप्रिसिएशन लगाना है जो बिगनिंग ऑफ द ईयर का फिक्स एसेट रहेगा ना उस पर लगाना है कंपनी का टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न है पंद्रह परसेंट आपको निकालना है डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी सर ये बताइए मांग क्या रहा मांग ये रहा है कि भाई अगर मैं ना यार फेस टू फेस ही पढ़ाता अगर मैं न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करता हूँ फ़ेस टू फेस ही पढ़ाता हूँ तो जो भी एफ सी एफ एफ आया उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू करूँ तो मान लो ये आ गया दस लाख पर मैं कहता हूँ कि चलो यार न्यू सेल्स स्ट्रेटजी पता लगी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और जो भी एफ सी एफ एफ आएगा क्योंकि ग्रोथ है उसको डिस्काउंटिंग करूँगा तो वो आ गया बारह लाख तो जो मैं न्यू सेल्स स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर रहा हूं उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू कितनी है उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो बोल रहा है इंक्रीमेंटल ड्यू टू एडोप्शन ऑफ द स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी की वजह से वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई ये पूछ रहा है तो सर काम कैसे किया जाए सबसे पहला काम ये है कि आप अगर हम न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी एडोप्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल देते कर अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले बात किसकी कर रहे अभी कितना था अभी है ट्वेंटी थाउजेंड और कितने परसेंट से बढ़ेगा बोल रहा है बीस परसेंट से हमने क्या किया वन पॉइंट टू जीरो चौबीस हजार ट्वेंटी

ठीक है सर और पीबीटी में से टैक्स माइनस कर दिया तो पी आ गया बस अब एफ सी एफ एफ के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिशिएशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल अब सुनने वाली बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशन पहली बात डेशन ऊपर माइनस क्यों नहीं किया तो साहब वो डेप्रिशन इन दोनों में से किसी मतलब कहीं ना, कही कही ना कहीं एक्सपेंसेस में ऑलरेडी जुड़ा होगा ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा होगा कहीं कहीं ना तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है इसलिए ऑलरेडी माइनस हो चुका है अलग से मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं तो सर ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिशिएशन कर लेते हैं भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पता कैसे लगेगा पहले जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें अलग से दिया रहता था कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेपरेशन इस बार हमको निकालना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेपरेशन तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा और वर्किंग नोट इसके लिए पहले क्यों नहीं बना रहे थे वर्किंग नोट क्योंकि नेट दिया रहता था अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और ये वर्किंग नोट काम का है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रेशन अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है एसेट्स बिगनिंग में कितना था सर ये एट थाउजेंड तो यहां लिखा मैंने एट थाउजेंड और डेप्रिशन किस पे लगना है बोले इसी पे लगना एट हंड्रेड तो बैलेंस कितना बचा एग्री अब उसने लिखा है कि यार एसिड टर्न ओवर रेशो सेम रहेगा तो हमने ऑलरेडी एसिड टर्न ओवर रेशो कितना लिखा है टू पॉइंट फाइव तो सर यहाँ टर्न ओवर कितना हो गया देखिए सेल्स कितना हो सर सेल्स हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव तो सर एसिड होना चाहिए नाइन नाइन थाउजेंड थाउजेंड सिक्स सिक्स हंड्रेड हंड्रेड एसिड होना चाहिए और यहाँ कितना सेवेंटी टू तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड ठीक है याद है ना यार ऐसा कुछ आप करते थे आप इस तरह से बैलेंस शीट बनाते थे यहाँ लिखते थे एट थाउजेंड मेंटेन कितना करना नाइनटी तो यहाँ और कुछ भी ठीक इसी तरह से नौ हजार छह सौ यहां आ गया इस पर बैलेंसिंग फिगर निकलती है इसका नाम क्या है इसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशिएशन अब मैं क्या, करूंगा? मैं क्या करूंगा क्या मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है यस yes, क्या मुझे भी पता है तो यार हम लिखते क्या ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस है तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये वाला डेप्रिशिएशन माइनस करते हुए चलो तो यहां जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशिएशन लास्ट में देखना जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही डेप्रिसिएशन ओके okay, तो ये फाइनल हमारा खत्म दूसरा क्या आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल इसके लिए तो मैं कैलकुलेशन करवाता हूं आप वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट्स या पहले से करेंट एसेट्स है यस फोर थाउजेंड मतलब सर ये कितना टाइम्स है फाइव टाइम्स है चेक चेक करो हमने निकाला भी था फाइव टाइम्स ये सर फाइव टाइम तो ऐसे ही जितना भी सेल्स है उसका फाइव टाइम्स के हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया वर्किंग कैपिटल और चेक करो कितने से इंक्रीज हो रहा है और ये जो आया ये मैंने डाल दिया वर्किंग नोट इन सब के एक बाद एफ सी एफ एफ आ गया शुरू में नेगेटिव 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 बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे इस क्वेश्चन में जब माइनस 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 आया था उनका सोचना था कि गलत आ रहा गलत नहीं आ रहा भाई सही है और ये जो है ये परपेचुअल रहेगा तो इसका प्रेजेंट वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ठीक है इसके बाद आपने सीधा टर्मिनल वैल्यू कैश फ्लो निकाला और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला ये आ गया अगर हम न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आगे चले। अगर सर हम न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट नहीं करते हैं तो क्या हो तो पैट डिवाइडेड बाई के और पैट तो दिया हुआ फोर्टीन हंड्रेड पैट कहाँ दिया था पैट ये दिया सर सर पैट से थोड़ी डिस्काउंटिंग करते हैं सर ये तो हम एफ को डिस्काउंटिंग करते हैं पैट को थोड़ी करते हैं बेटी तो एक बात बताओ मैं मान के चल रहा हूँ जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ही डे, या जितना डेप्रिशिएशन लगेगा उतना ही कैपिटल एक्सपेंड दोनों बराबर है तो पैट दोनों ही वर्किंग कैपिटल भी सेम रहेगा तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब दोनों ही बराबर है तो फिर खत्म हो जाएगा सब सर समझाकर बताऊ बट्टी बटी, बटी सुन ना ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि यार हमारा सेल्स बढ़ेगा हाँ सर तो डेप्रिशिएशन सेल्स बढ़ेगा नहीं यहाँ तो स्टेब्लिश हो जाएगा बात बिल्कुल गहराई से समझोगे तो बात समझ में आएगी समझा के भी बता दे रहा हूँ सर 1400 है ना यस तो अगले साल भी 1400 रहेगा हमेशा 1400 ही रहेगा कोई बढ़ेगा नहीं यस अगर हम न्यू स्ट्रेटजी अडोप्ट नहीं करते ठीक है सर तो पर सर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना सर बेटे जितने से डेप्रिसिएशन लगेगा उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगेगा सर क्यों उसकी वजह लिखा है एसिड टर्न ओवर रेशो सेम रहेगा मतलब आपको उतना एसिड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा गहराई से समझोगे तो बात समझ में पर मैं मैं क्यों समझा रहा हूं? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर 1400, 1400, 1400 ही रहेगा तो सेल्स उतना रहेगा डेप्रिशिएशन की वजह से फिक्स एसिड का वैल्यू कम हो जाएगा पर एसिड टर्नओवर ओवर रेशो मेंटेन करना पड़ेगा तो वापस मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उतने ही अमाउंट से जितना डेप्रिसिएशन है सेम चीज वर्किंग कैपिटल का ट् वर्किंग कैपिटल में तो सेल्स जो है वो बढ़ी नहीं रहा तो वर्किंग कैपिटल तो सेम ही रहेगा इसलिए हम यहाँ डिस्काउंटिंग किसको कर रहे हैं हम डिस्काउंटिंग पेट को कर ठीक है यही मेरा एफ सी एफ एफ है फाइनल तो आ गया नाइन थ्री 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 पॉइंट थ्री थ्री ओके अब डिफरेंस निकाल लो ये वैल्यू ऑफ और बिजनेस है ओल्ड स्ट्रेटजी से और ये है न्यू स्ट्रेटी से तो इंक्रीमेंटल वैल्यू माइनस में आ गया और माइनस में आ गया नेगेटिव स्ट्रेट है तो नेगेटिव है मतलब इंक्रीमेंटल वैल्यू नेगेटिव आई बिजनेस की तो हमें न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी एडॉप्ट नहीं करना चाहिए अच्छा क्वेश्चन है प्लीज कर लेना चलिए सर आगे यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखा एक्स वाई लिमिटेड अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज हायर्ड यू एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी द सीमेंट इंडस्ट्री हैज बीन वेरी स्टेबल फॉर सम टाइम एंड सीमेंट कंपनी एस के लिमिटेड एएस लिमिटेड दो कंपनी है एस के लिमिटेड और ए लिमिटेड आर सिमिलर इन साइज सर हमारी कंपनी कौन सी है हमारी कंपनी एक्स और दूसरी कंपनी जो हमारे जैसी कंपनी एक का नाम है एसके और एक का नाम है एएस लिमिटेड ठीक है सर और सिमिलर इन साइज एंड है सिमिलर प्रोडक्ट मिक्स कैरेक्टरिस्टिक दे रखा यूज कंप यूज कंपैरेबल मेथड सर ये क्या चीज है कंपैरेबल मेथड देखते हैं ना भाई क्वेश्चन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या निकालना हमें निकालना वैल्यू ऑफ इक्विटी और किसका हमें इसका वैल्यूएशन करना भाई और इसके लिए इसका डेटा दिया हुआ है देखते हैं क्या बोला कंपेरिबल वैल्यू से कैसे वैल्यू निकाल बोले पहला जो आप यूज करोगे book, यूज करोगे मार्केट टू बुक वैल्यू सर ये मार्केट टू बुक वैल्यू क्या है अब ध्यान से समझना मुझे तो अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू निकालना है ना हाँ सर मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू पर पहले में जो बेस लेना बुक वैल्यू दूसरे में रिप्लेसमेंट कॉस्ट तीसरे में सेल्स चौथे में नेट इनकम मैं करके आ रहा हूँ सुनो मुझे इसकी इसका वैल्यूशन करना है अब इसका देखो मार्केट टू बुक वैल्यू बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है हमारी कंपनी का नहीं दूसरी कंपनी का हाँ सर 450 डिवाइडेड बाय 400 यस सर टाइम से मैं बोलो 1.125 और 400 डिवाइडेड बाय 300 सर 1.333 ऐसा कुछ ठीक है तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा मतलब यार इसकी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा इसकी भी बुक कर, तो जब दोनों का मैं कंपेरिजन कर रहा हूं तो मैं अपना भी तो देखूँ तो सर आप इस ये 250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे करोगे कि तो इसका हम करते थे एवरेज अच्छा सर तो इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही इसका भी टाइम्स निकालेंगे और फिर एवरेज करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम काम करने वाले और वही काम मैंने यहां कर दिस इज कम्पेरेबल वैल्यू टाइम पास था सर ये तो देखोगे तो दिस दिस एवरेज मारा और दो सौ पचास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया तो फाइनल आंसर आ गया एवरेज मार्केट वैल्यू थ्री सिक्सटी थ्री पॉइंट टू फाइव सिंपल क्वेश्चन था आराम से हो जाते मेरी जरूरत भी नहीं थी आराम से हो जाता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखे यस yes. कॉर्पोरेट वैल्यूशन में कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन ही है बड़े सारे क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी क्वेश्चन है देखना तो पड़ेगा यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक इसका खरीदने का सोच रहे सर के लिमिटेड आर के लिमिटेड कंपनी हैज डिवीजन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है डिवीजन है ए डिवीजन है इसके अलावा कितना बोले टेन परसेंट कैप्चर कर रखा है डिवीजन ए कैप्चर टेन परसेंट ऑफ इस इंडस्ट्री सेल बोले उस इंडस्ट्री में जितना सेल्स होता है कितना पचास करोड़ उसका 10% इसने कैप्चर करके रखा है मतलब हमारा जो डिवीजन ए है इंडस्ट्री मतलब पूरा की पूरा मार्केट उसका दस परसेंट हमारा डिवीजन ए निकाल लेता है सेल्स ऐसे डिवीजन बी अपने इंडस्ट्री का कितना परसेंट कैप्चर थर्टी परसेंट और डिवीजन सी ने कितना टू परसेंट तो यहाँ सेल्स निकल जाएगा अलग अलग डिवीजन का ठीक है और फिर उसके अलावा और उन्होंने सेल्स भी बता देगा ट्वेंटी करोड़ और साढ़े करोड़ ये डिवीजन का नहीं है इंडस्ट्री का सेल्स और जीपी रेशियो प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट दे रखा फाइव परसेंट एट परसेंट टेन परसेंट और उसके अलावा जो कि कितने का बिक रहा है दो सौ पचास रुपए का अगर मैं कहूं, अभी यहां तक जो समझा है उस पर डिस्कशन करूं तो भाई ऐसा है कि पचास करोड़ ये सेल्स है किसका इंडस्ट्री का हमने कैप्चर कितना रखा थर्टी परसेंट टेन परसेंट थर्टी परसेंट टू परसेंट और ये है नेट प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारी कंपनी का और हमारी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तीन लाख उस हिसाब से ये ईपीएस आ गया ईपीएस यहां तक कोई दिक्कत है कि यहां तक कोई दिक्कत सर अभी स्टॉक्स 250 को वो बाद में बात करेंगे अब हम आगे बढ़े यस कंपनी हैज नॉट पेड डिडेंड सिंस इट स्टार्टेड जब से स्टार्ट हुआ है बिजनेस तब से अभी तक हमने एक भी पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं दिया अवे फ्रॉम द मार्केट सोर्सेस यू कम टू नो दैट आरके लिमिटेड डिविडेंड देना स्टार्ट करने वाले है तीसरे साल से और पे आउट इश्यू होगा थर्टी परसेंट बोले आगे आने वाले ना तो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड दिया जाएगा ना तो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर से स्टार्ट किया जाएगा और कितना थर्टी परसेंट एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड द स्टॉक फॉर फाइव ईयर्स अपने का ठीक है भाई पांच साल तक शेयर होल्ड करेंगे क्यों पांच साल तक होल्ड करेंगे पहले साल डिविडेंड नहीं मिलेगा चलेगा सेकंड ईयर नहीं मिलेगा चलेगा पर थर्ड ईयर से हमको डिविडेंड मिलना स्टार्ट होगा थर्टी परसेंट फोर्थ ईयर में थर्टी परसेंट फिफ्थ ईयर में थर्टी परसेंट और फिफ्थ ईयर के एंड में हम शेयर भेज देंगे ठीक है भाई एनालाइजिंग द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू आर यू हैव डिटरमाइंड दैट लिमिटेड डिटर रेट ऑफ रिटर्न कितना है अठारह डिस्काउंटिंग आपको एटीन से करना है और प्राइसिंग रेशियो है टेन पर नेक्स्ट ईयर और ट्वेंटी एट द एंड ऑफ ठीक वुड यू परचेस आर के लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर वन ईयर फॉर्स बोले ज्यादा सोचो मत पांच साल का नहीं मान लो अभी तो वैसे पांच साल होना चाहिए था होल्ड पर मान लो एक ही साल होल्ड करना है तो क्या होगा बस क्या हमें शेयर खरीदना चाहिए तो भैया एक साल बाद शेयर कितने का बिकेगा तो बोले प्राइस रेशियो है ना यार कहा है प्राइस बोले तो नेक्स्ट ईयर प्राइजनिंग रेशो होगा टेन तो चलो टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ईपीएस तो ऑलरेडी निकला था टेन से मल्टीप्लाई किया तो एक साल बाद होगा टू फोर्टी नाइन शेयर का प्राइस टू फोर्टी नाइन उसका प्रेजेंट वैल्यू किया मैंने तो प्रेजेंट वैल्यू किया तो कितना आ गया दो सौ दस अगर मैं एक साल तक ही होल्ड करता हूं तो शेयर टू फोर्टी नाइन का बिकेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू किया तो आज है मार्केट प्राइस दो सौ दस और एक्चुअल प्राइस दो सौ पचास तो मैं कहूंगा शेयर जो है वो ओवर है पॉइंट नंबर वन तो जैसे तैसे संभाल लेते पॉइंट नंबर टू तो यार आईसीए ने इतने बुरे तरीके से कर रखा है इफ यू एक्सपेक्ट अर्निंग बोले अर्निंग ग्रो होगा कितने परसेंट से पंद्रह परसेंट से कंटिन्यूसली पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड आरके लिमिटेड के लिए आप कितना इग्नोर टैक्सेशन आरके लिमिटेड के लिए कितना देने को तैयार है तो अगर मैं सोचूं कि यार मैं पाँच साल तक होल्ड करने वाला ठीक है पहले साल डिविडेंड नहीं मिलेगा दूसरे साल नहीं मिलेगा तीसरे साल डिविडेंड मिलेगा चौथे साल डिविडेंड मिलेगा पांचवें साल डिविडेंड मिलेगा और पाँच साल बाद शेयर बेच दूंगा मतलब यार जो पंद्रह पंद्रह परसेंट ग्रो हो जाएगा ठीक है मतलब अर्निंग को ग्रो कर देंगे पंद्रह पंद्रह परसेंट और पाँच साल बाद जो है प्राइस अर्निंग रेशो दिया है तो पाँच साल बाद का प्राइस भी निकाल लेंगे हम अर्निंग इन ये मेरा ये सोचना था मैं होता तो मैं क्या करता मैं यही करता जो भी अर्निंग है अभी अर्निंग निकली है ना कितनी निकली थी अर्निंग सर, अर्निंग निकली थी चौबीस रुपये नब्बे पे हालांकि एक साल बाद की अर्निंग है अगर मेरी नज़रों से देखो तो सर कैसे बोल सकते इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है एक्चुअली छोड़ो यार मैं और आपको क्यों कंफ्यूज करूं आई सी ए आई कैसे किया बस वो समझा देते पहले साल डिविडेंड नहीं मिलेगा दूसरे साल डिविडेंड नहीं मिलेगा इसी साल डिविडेंड मिलेगा चौथे साल मिलेगा पांचवे साल मिलेगा और उसके बाद उन्होंने परपेचुअल लेके काम कर दिया एग्जाम में आया हुआ है दो बार नवंबर नहीं दो बार नहीं नवंबर 2019 में और एमटीपी में भी डाला गलत सॉल्यूशन है पर मैं वैसे ही करवाने जा पहले साल का ईपीएस कैसे निकालना 24.9 था आज का उसको 15% से बढ़ा दिया 28.6 फिफ्टीन से बढ़ाया फिफ्टीन से बढ़ाया फिफ्टीन से बढ़ाया फिफ्टीन से बढ़ाया फिफ्टीन से, से बढ़ाया और पहले साल डिविडेंड नहीं है दूसरे साल में यहाँ 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 ठीक है और ये डिविडेंड इसके बाद पंद्रह परसेंट के सबसे परपेचुअल किया तो ये आ गया फाइव सेवेंटी टू और फिर इन सब का क्या कर लिया प्रेजेंट वैल्यू कर आंसर आ गया टू सेवेंटी वन पॉइंट नाइन जीरो रट्टा मारना पड़ेगा गलत कैलकुलेशन ठीक है सर चलेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जनरली मैं नहीं करवाता हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाले बच्चों को मैंने ये करवाया नहीं था डिस्कशन किया ठीक है सर ये क्वेश्चन के नाम से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं डिस्कस करें आखिर यस सर डिस्कशन कर चलो देखें ये क्वेश्चन भी रटने वाला क्वेश्चन है कि हाँ सर और क्वेश्चन इतना बड़ा है कि करते करते थक जाओगे चलो सोचते हैं क्या करना सर ये क्वेश्चन आएगा क्या मैं नहीं जानता मेरा काम है करवाने का मैं करवा रहा हूं मेरा बस एक ही टारगेट है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना बस पी आर सी इन कॉरपोरेशन डील्स इन कंप्यूटर एंड आई टी हार्डवेयर एंड पैरिफेरल्स एंड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आठ साल की इंफॉर्मेशन है आठ साल का सेल्स है और ये डॉलर में ठीक है मिलियंस में इसके अलावा आपके पास इक्विटी शेयर है बॉन्ड्स है फिक्स एसेट्स है और करेंट भी कोई दिक्कत नहीं है वेरिएबल एक्सपेंसेस फोर्टी परसेंट ऑफ सेल्स ठीक है सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे आठ साल है याद रखना फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो कि कैश में ही मतलब इसमें डेप्रीसिएशन नहीं है एक से चार साल तक वन पॉइंट सिक्स और पांच से आठ साल तक टू मिलियन इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस भी माइनस करना है और यह उन्होंने दे रखा है डिटेल

और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये लिस्ट दिया हुआ है पूरा आठ साल का वर्किंग कैपिटल आपको रखना है ट्वेंटी परसेंट ऑफ रेवेन्यू ठीक है टैक्स का रेट है थर्टी परसेंट के ही आपको सिक्सटीन परसेंट यूज करना है और फ्री कैश फ्लो दे रखा बोले आठ साल के बाद से पांच परसेंट का ग्रो होगा हमें क्या निकालना बोले वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और वैल्यू ऑफ एक स्टार्ट कैसे करें सर सुनो ना पहले एफ सी एफ एफ निकाल निकाल और जो जो लगेगा काम करते जाएंगे सर पहले डब्ल्यू एस सी सी निकाल ले क्या हाँ सर केई तो दिया है यस और ये बॉन्ड्स दे रखा है इससे केड़ी निकल जाएगा डेट इक्विटी रेशियो है तो हमें डब्ल्यू सी से हाँ तो पहले इन्होंने वही किया है कि पहला काम करते हैं कि डब्ल्यू सी निकाल लेते हैं और हमको डिस्काउंटिंग करना है ट्वेल्व पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट से यहाँ तक काम खत्म होगा याद रखना स्टेप मार्किंग है कुछ तो नंबर मिलेगा अगर एग्ज़ाम में आया तो सर ये तो निकाल लेंगे हम ठीक अब चले एफ सी एफ एफ पे या सबसे पहले सेल्स लिख लें पहले नंबर पे लिखा होगा सेल्स इसमें बहुत सारा वर्किंग भी बनना है ना ठीक है सर तो पहले नंबर पे होगा सेल्स जो दिया वो लिख लेंगे उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट फोर्टी परसेंट सर इसमें भी कोई समस्या नहीं उसके बाद फिक्स कॉस्ट सर इसमें भी कोई समस्या उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सर इसमें भी कोई समस्या नहीं है समस्या इसमें है डेप्रिशिएशन किधर से आएगा तो डेप्रिशिएशन के लिए काम करना पड़ेगा भाई ये है मतलब आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा दिस इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रेशन ठीक है ओपनिंग कितना था सर ओपनिंग 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 फिक्स एसेट था सेवनटीन तो ये लिया सेवनटीन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉइंट फाइव अब जो डेप्रिशिएशन लगेगा तो टोटल मिलाकर सर सेवनटीन पॉइंट फाइव हो गया यस yes. अब जो डेप्रिशिएशन लगेगा डेप्रिशिएशन का रेट कितना बोला था यार फिफ्टीन परसेंट जो फिफ्टीन परसेंट लगेगा उसने बोला कि इस पे मत लगाना ओपनिंग पर लगाना तो सर सेवनटीन का फिफ्टीन परसेंट आ गया नहीं 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 उसने ये ओपनिंग पे नहीं लगाना हो तो पिछला क्वेश्चन था बोले ये जो एडिशन है वो बिगिनिंग में ही हो रहा है मतलब सर इस पे भी साल भर का इस पे भी साल भर का यस तो टोटल लगेगा सेवनटीन पॉइंट फाइव पर डेप्रीशन लगेगा कितना पंद्रह परसेंट तो टू पॉइंट सिक्स थ्री दो डिजिट में ले रहा हूँ मैं पॉइंट के बाद उसके बाद यहाँ वैल्यू इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा फिर पॉइंट एट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोनों को जोड़ दिया फिर डेप्रिसिएशन निकाला तो मेरे ख्याल से अब डेप्रेशिएशन में दिक्कत नहीं होगी डेप्रेशिएशन आप निकाल लोगे और डेप्रिसिएशन निकला हुआ है ठीक है सर फिर पीबीटी आ गया टैक्स आ गया पीएटी आ गया फिर डेप्रशियशन जो निकला था डेप्रेशिएशन को ऐड कर दिया यहां तक क्वेश्चन बहुत अच्छा गया है सर प्रॉब्लम कहाँ गई है अब समझना प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों को ये समझ में नहीं आया इसलिए नहीं आया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यूनिक तरीके से कर रखा है अलग ही तरीके से मतलब जैसा कर रहे थे वैसे नहीं कर रहे हम क्या करते थे सुनो हम करते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेसन और फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल हाँ अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से करूं तो काम हो जाएगा पर वैसे नहीं किया इंस्टीट्यूट उसने कहा भैया डेप्रिशिएशन को अलग रट्टा मारना पड़ेगा प्लीज इन्वेस्टमेंट इन एसेट मतलब सर इसी में ये फिक्स एसेट भी है और यही आपका करेंट एसिट तो सर ये निकला कैसे बस यही समझाना है तो हमारा काम खत्म हो जाए आओ कैसे किया है एक टेबल बनाया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बेटे तो बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है हालांकि जिस भी बच्चे की कॉपी उन्होंने पूरा लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट टेबल में हमने कैसे काम किया पर फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ दिक्कत नहीं आई भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना पॉइंट फाइव ये कहाँ लिखा है ये क्वेश्चन में लिखा है कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा पॉइंट फाइव ठीक है सर इसके अलावा वर्किंग कैपिटल कितना मेंटेन करना है बोले ट्वेंटी परसेंट सेल्स का तो सेल्स है एट इंटू ट्वेंटी परसेंट तो वन पॉइंट सिक्स आ जाए तो सर टोटल मिलाकर हमें टू पॉइंट वन जीरो की जरूरत पड़ेगी मतलब पैसों की हाँ सर पॉइंट फाइव और वन पॉइंट सिक्स तो टू पॉइंट वन हमारे पास होना चाहिए हमारे पास टोटल मिलाकर वर्किंग कैपिटल कितना है थ्री गॉड तो हमें कुछ एडिशनल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार हमें रखना था वन पॉइंट सिक्स है थ्री इससे अच्छा हो क्या सकता है लेकिन यार अभी तीन में से क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो चुका है मतलब कैश के रूप में अब 2.5 ही बचा ठीक है याद रखना तो हालांकि मैं ये कहना कर चाहता हूँ कि अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल में से ये मैं माइनस कर भी दिया तो 2.50 का वर्किंग कैपिटल बचा हुआ वैसे तो रखना चाहिए था 1.6 का पर है अभी हमारे पास 2.5 का ठीक है इसलिए हमें एडिशनल की जरूरत यहां तक ठीक अब फिर सर खर्च हो गया 0.8 वर्किंग कैपिटल रखना है टू अब ध्यान से समझ फाइव में से पॉइंट एट खर्च हो चुका है यस टू पॉइंट फाइव था कैश मान के चल रहा हूं मैं कैश टू पॉइंट फाइव था कैश उसमें से पॉइंट एट खर्च हो चुका है तो सर अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल के रूप में वन पॉइंट सेवन ही तो बाकी है हाँ और रखना कितना है टू तो सर अब हमें पॉइंट थ्री की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से बात समझ तो मैंने पॉइंट थ्री का और कहीं से उठाकर वर्किंग कैपिटल में डाल दिया तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल या कैश के रूप में कितना हो गया टू हो गए कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं ये दो साल में ही दिक्कत आ रही है बच्चों को बाकी नहीं तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना है सर वर्किंग कैपिटल अब हमारे पास टू रखा हुआ है ये खर्चे काटने के बाद भी टू रखा हुआ वर्किंग कैपिटल अब कोई दिक्कत और सर अगले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर है टू तो पूरा खर्च हो चुका है और वर्किंग कैपिटल थ्री मेंटेन करना है मतलब उतना ही हमें अपने बिजनेस में डालना पड़ेगा क्योंकि यार दो लाख था दो लाख खर्च हो गया पूरा की पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में पर वर्किंग कैपिटल तो थ्री मेंटेन करना है इसलिए थ्री अच्छा सर ठीक है अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना हो गया है? सर अब हमारे पास है थ्री ढाई मतलब सर पॉइंट फाइव ही बचा है और फोर पॉइंट फोर मेंटेन करना है और कितना लगेगा फोर पॉइंट फोर माइनस पॉइंट फाइव तो सर और लगेगा थ्री पॉइंट नाइन इस तरह से काम होगा सर थोड़ा इस धीरे बोलोगे आराम से सुन लेना वापस सुन लेना मैंने जो बोला इस तरह से ये आज एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड एसेट्स दिस इज द क्वेश्चन वही हुआ तो एफ सी एफ एफ सर किसी और दूसरे तरीके से करवा सकता हूं मैं मैं एक्चुअल में जैसे होना चाहिए वैसे करवा सकता हूं उन सब चीजों का मतलब नहीं है कि यार ऐसे नहीं ये गलत है मेरे हिसाब से चलो मेरे हिसाब से मत चलो इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलो बस और फिर डिस्काउंटिंग किया तो ये आ गया एटीन पॉइंट फाइव सिक्स नाइन ये वाला जो डिस्काउंटिंग किया और लास्ट का जो था सिक्स पॉइंट इसको ग्रोथ किया तो एट सिक्स पॉइंट फोर जीरो टर्मिनल कैश फ्लो आ गया इसके बाद तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही लिया होगा आप यहाँ निकाल लिए इसके बाद तो बन जाएगा तो मेन और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा सर वैल्यू ऑफ फॉर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दोगे डेट पता नहीं कितने का था वैल्यू ऑफ डेट माइनस करोगे तो आंसर है इस क्वेश्चन पे बड़े सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों के और किस पर आ रहे थे इन्वेस्टमेंट टेबल सर क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा कम से कम एक घंटा लगेगा अगर बनाने जाओगे तो वो आप पर आप पर डिपेंड ठीक है ये टाइम पास क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है द द फॉलोइंग इज़ ऑफ़ ग्रेफ्रूट कंपनी लिमिटेड एज एट मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड था। नाइन लाइबिलिटी और एसेट से दे रखा ये क्वेश्चन पता नहीं आरटीपी में बार बार डालता मुझे समझ में नहीं आया कि आरटीपी में डालता ही क्यों है क्वेश्चन पूछता तो है नहीं है और है भी नहीं आ रही है तो अकाउंटिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है यहाँ क्यों डाला पता नहीं पर फिर भी कर लेते इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ठीक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है दिवेंचर है डिबेंचर डिबेंचर इंटरेस्ट है लोन फ्रॉम बैंक है ट्रेड क्रेडिटर्स और इधर एसेट्स एंड लाइबिलिटी दे रखा टोटल हमारा कितना है कंपनी डिड नॉट परफॉर्म वेल एंड साइजेबल लॉस मतलब यार जबरदस्त लॉस है तो कंपनी को इलाज की जरूरत है और हम इलाज करना चाहते इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोल रहा अब देखो करना क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन री, अकाउंट बनाते थे रिडक्शन अकाउंट बनाते थे बस जो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्होंने कितना पैसा छोड़ा और उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो दैट्स इट और कुछ नहीं है हमें यही बताना है एक्चुअल में हमसे मांग क्या रहा है हमसे मांग रहा है इसमें इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑन द कंपनीज एक्टिविटी इंपैक्ट बताना है जो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे उसका बताना बताना है है मतलब मतलब यार मतलब ये कि हमें कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा अब ध्यान से समझ अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अपना कितना रुपए छोड़ रहा है सर पच्चीस रुपए तक कर दो उसका वैल्यू कितना है हंड्रेड तो देखा जाए तो सिक्स हंड्रेड का सेवेंटी फाइव परसेंट रिड्यूस हो गया मतलब शेयर से फोर फिफ्टी का फायदा आना यार प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ क्या है उन्होंने अपने शेयर कितने का कर दिया फिफ्टी और पहले उनका कितना था सौ तो सर हंड्रेड का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा यस yes. किया हुआ है आपका डिवेंचर होल्डर क्या बोलते हैं कि यार हम एक इंटरेस्ट छोड़ देंगे मतलब ट्वेंटी सिक्स का फायदा हो गया टोटल सीधा सीधा इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स भी कितना परसेंट भूलने को तैयार है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो 340 का 25 परसेंट सर 85 का प्रॉफिट है सीधा और कंपनी शेयर इश्यू कर रही है वो तो कैश में आ जाएगा अब आगे किसकी बात है रिवैल्युएशन लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दिया 450 लाख लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था 200 200 का था क्या 450 करना तो ये भी तो फ़ायदा हो गया सर रिवेलुएशन पे सर 250 का ये प्रॉफिट इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी को 120 से राइट ऑफ करना है तो यहाँ से माइनस कर देना 120 मैं निकालना जा रहा कि यार कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा अच्छा सर और इसके अलावा प्रोविजन भी बनाना है कितने का पंद्रह लाख और उसके अलावा ये जो भी आपको लॉसेस दिख रहे हैं इन सबको क्या करोगे राइट ऑफ और जो बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में डालोगे वही इम्पैक्ट हो जाएगा अच्छा सर मतलब सीधा सीधा रिडक्शन अकाउंट बनाना है यार इसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से ये आ जाएगा और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे यह बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिकंस्ट्रक्शन री, री, के आप बैलेंस शीट ना बना पाओ आराम से ये बैलेंस शीट बना लो ठीक आना तो नहीं चाहिए यार क्योंकि अकाउंटिंग का क्वेश्चन है अगर यहाँ आता है तो किस्मत ही खराब है सोचो मतलब यार इंस्टीट्यूट के पास एस के लिए कुछ क्वेश्चन बचे ही नहीं है अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ठीक है सर चले आगे यस क्वेश्चन नंबर थर्टी ए बी सी इज कंसिडरिंग अच्छा क्वेश्चन है ये भी ए बी सी कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ एक्स वाई जेड भाई साहब हम एक्स वाई जेड को खरीदने का सोच रहे हैं एबीसी इसको खरीदने का सोच रहे हैं हम लोग एक्स वाइजेट विच हैज वन पॉइंट फाइव शेयर्स और इसके पास कितने शेयर्स है वन पॉइंट फाइव करोड़ शेयर्स और एमपीएस कितना है चार सौ मतलब इस कंपनी की मार्केट के हिसाब से वैल्यू कितनी है तो 400 into टोटल मिलाकर सर इसकी है 600 करोड़ वैल्यू एक्स एक्स हम कि अगर वो बिजनेस करेगा करेगा तो तीन साल तक यह कमाएगी और उसको डिस्काउंटिंग किससे करना है तो क्या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो हां सर मार्केट के हिसाब से 400 लाख 400 ही है ना 400 इनटू मतलब 600 लाख 600 करोड़ जो भी बोल दो वो उसकी वैल्यू है पर मैं कहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो वैल्यू निकाल सकते कि हाँ सर निकाल सकते और ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो आ गया 747 इट मींस मैं हूं एबीसी हां मैं कह रहा हूं यार देखो ये इनके जो शेयर्स है ना उनकी मार्केट प्राइस के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू 600 करोड़ से ज़्यादा नहीं है पर उनको नहीं मालूम मैं और बात उनको जो फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा अगर वो कंपनी चलती है तीन साल तो उसके जो कैश फ्लो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो यार मैं जानता हूं कि ये कंपनी मुझे सेवन करोड़ निकाल कर दे देगी चलो डील हो जाए यस देखो यार मैं सोच रहा हूं मैं कौन हूं सर तो आप एबीसी हो मैं सोच रहा हूँ सेवन फोर्टी सेवन पॉइंट वन फाइव से ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता ज्यादा देने क्योंकि और उससे ज्यादा तो आ नहीं रहा और सिक्स हंड्रेड से कम वो मानेंगे नहीं क्योंकि मार्केट में बेच देंगे फिर अगर मैं छह सौ करोड़ से कम दूंगा उन लोगों को तो वो मार्केट में बेच देंगे तो अगर कोई बोलेगा कि मिनिमम कितना लेगा सामने वाला मतलब मैं वो मैं हूं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू बताइए मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम ये इससे ऊपर देने का बनता है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ रेंज मांग रहा है रेंज का मतलब ये है मिनिमम और मैक्सिमम तो वही हमने बताया तो बिजनेस की मिनिमम वैल्यू है 600 करोड़ पर शेयर के हिसाब से 400 और मैक्सिमम वैल्यू है 747 और पर शेयर के हिसाब से 498.1 ठीक है अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34 फोर एक सेकेंड चलो जी आगे बढ़े तो ब्रेक हो गया था हाँ ब्रेक लेना मजबूरी और अब बात कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चों को एक पॉइंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पढ़े देखा एबीसी इंडिया लिमिटेड इज अ मार्केट लीडर इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इन टू डिफेंस इक्विपमेंट बिजनेस एंड रेसेंटली बीन पार्शियली ओपन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्राइवेट सेक्टर शुरू में सब टाइम पास कहानी है आ, क्या करना चाहता है वो कंपनी की का वैल्यूएशन करना चाहता है ठीक है भाई और कंपनी का वैल्यूएशन के लिए वो आपके पास आए और आपसे क्या पूछ रहा है

और जनरली कॉर्पोरेट वैल्यूशन में हम ऐसे करते हैं ठीक है सर ठीक है जी यस तो ही अप्रोच विथ रिक्वेस्ट टू टेक अप वैल्यूएशन ऑफ हिज कंपनी विद द फॉलोइंग डेटा और डेटा दे रखा फॉर द ईयर एंडेड 2009 का डेटा दिया हुआ 2009 शेयर का प्राइस दिया है। सर ये शेयर का प्राइस तो दिया है बेटे ये एक्चुअल प्राइस होगा इसी से तो कंपैरिजन करना है हमको एक्चुअल आउटस्टैंडिंग डेट है वन नाइन थ्री फोर लैक्स डेट है मतलब यार काम कहेंगे का जब वैल्यूएशन करेंगे ना तो हमको डब्ल्यू यूज करना होता है वन नाइन थ्री नंबर ऑफ शेयर्स दिया है सेवेंटी फाइव लैख नेट इनकम हमारे काम का चीज अभी नहीं है क्योंकि ई बी आई टी दे दिया है ई बी आई टी दिया है टू फोर्टी फाइव और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशिएशन भी दिया है और वर्किंग सर ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया भाई ठीक वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है अभी है फोर्टी फोर इसके अलावा ग्रोथ रेट 2010 मतलब ये है सर 2009 यस yes. तो 2010 से 2014 तक का ग्रोथ रेट है आठ परसेंट मतलब हमको एफ सी एफ एफ निकालना पड़ेगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और फोर्टीन के बाद आपको निकालने की जरूरत नहीं है बोले फोर्टीन के बाद ग्रोथ रेट रहेगा सिक्स परसेंट से सर फोर्टीन का फिफ्टीन का एफ एफ उसके लिए तो वर्किंग करना पड़ेगा बोले वो मत करना वो फ्री कैश फ्लो हम निकाल देंगे फोर्टीन के बाद है टू फोर जीरो थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री सिक्स मतलब सर ये एफ सी एफ 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 सी एफ एफ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह मतलब एफ सी एफ एफ सिक्स हो गया है, ये एक्सपेक्टेड टू इक्वली ऑफसेट वाई हाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर है डेप्रीशिएशन के बोल दिया है ठीक है लेकिन ये लाइन की वजह से क्वेश्चन में ना दिक्कत है बस बस एक लाइन की वजह से प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि डेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड फोर्टीन ये जो डेट है टू थाउजेंड फोर्टीन में कम हो गया कितने परसेंट से थर्टी परसेंट डेट कम हो गया मतलब इक्विटी कम होता समझ डेट कैसे कम होगा जब डेट का रीपेमेंट करोगे तो हो सकता है या पक्का है कि वही कहना चाह रहा है कि 2014 में जो डेट है उसके 30% का हम रीपेमेंट कर देंगे ठीक है सर बात समझ में मांगा वही होगा एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ कंपनी बोले आप सबसे पहले निकालोगे वैल्यू ऑफ कंपनी ठीक है भाई उसके बाद मार्केट प्राइस निकालोगे और बताओगे कि जो मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है 64 है है कि और और फिर भी दिया cost of equity के लेना 16 और वो रहा रहा इन ये ये तो वहां से समझ में आ रहा था अब सवाल क्वेश्चन बनाना कैसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक काम करो सुनो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही है, तो, यहां तो खेल खत्म हो गया सर सर, सबसे पहले एक काम करते हैं ना यार यस yes. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ई से और कितने परसेंट से बढ़ाना ई बी को, को को ग्रोथ रेट है आठ परसेंट मतलब टू फोर्टी फाइव को आठ परसेंट से बढ़ाना करके देखिए क्या वन पॉइंट जीरो एट इंटू टू फोर्टी फाइव सर टू ट्वेंटी सिक्स यस फिर आठ परसेंट से यस फिर एट परसेंट से फिर एट परसेंट से फिर एट परसेंट और फिर एट परसेंट सर याद करूँ हम पहले ऐसा भी लिखते थे टू थाउजेंड फिफ्टीन और फिर हम इसको ना मालूम है सिक्स परसेंट से बढ़ाते थे पिछले क्वेश्चंस में तो हमने ऐसे ही किए थे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि टू थाउजेंड फिफ्टीन का हमें एफ नहीं निकालना है एफ सी एफ एफ सिक्स निकालेंगे क्योंकि ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर नहीं निकालना उसकी वजह है कि वो बोल रहा आप मत निकालिए हम क्वेश्चन में दे देते हैं और उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया और ये दे दिया ठीक है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी निकालने इसके बाद है टैक्स तो सर टैक्स का रेट क्या ये एक समस्या टैक्स का रेट क्या तो यहां से निकला कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट बोले यार टैक्स का रेट इस क्वेश्चन में खास बात यह कि टैक्स का रेट नहीं दिया था तो एक ये विशेष चीज थी इस क्वेश्चन में तो कैसे निकाला गया बोले जो ईबीआईटी e था सर टैक्स का रेट नहीं हमको नहीं ईबीआईटी e दिया है सर पैट दिया है इंटरेस्ट दिया तो टैक्स का रेट तो निकल ही जाएगा ई e दिया है इंटरेस्ट दिया है ई e आ गया ई -E e ये है और टैक्स का अमाउंट ये है तो सर काम हो जाएगा कि यस और आंसर कितना जाएगा ये हो गया ई बी आई टी और ये हो गया, e -E गया। टैक्स तो सर थर्टी सिक्स परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट का तो उसकी वजह से नोपेट आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर है डेप्रिशन के तो खेल खत्म हो गया अब बचा क्या एकमात्र चेंज इन वर्किंग कैपिटल अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल का सर हम लोग सेल्स लिखते थे और फिर काम करते थे यहां ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा उसकी वजह सुनो उसकी वजह है कि 2015 में जब ग्रोथ रेट कम होता है ना तब दिक्कत बनती थी मैं समझा चुका समझाया हूँ पर सुनो इस क्वेश्चन में हम वर्किंग क्यों नहीं बनाएंगे उसकी वजह है जनरली शॉर्टकट से काम हो सकता था शॉर्टकट से कैसे काम हो सकता था तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट से कैसे काम हो सकता था फोर्टी फोर और फोर्टी प्लस सेल्स कितने से ग्रोथ रेट कितना आठ प्लस एट तो सर वैसे तो वर्किंग कैपिटल फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव टू और लगना चाहिए मतलब माइनस फोर्टी फोर तो एक्स्ट्रा कितना लगना चाहिए थ्री पॉइंट फाइव टू और इसी को मैंने आठ परसेंट से बढ़ा दिया चल सकता है शॉर्टकट ये शॉर्टकट तभी चल सकता है जब ग्रोथ रेट छे परसेंट होता है ना सिक्स परसेंट तब यहां का प्रॉब्लम आ जाता है फिर आपका ये शॉर्टकट यहां नहीं लगेगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ग्रोथ रेट छः परसेंट होता है मतलब पहले आठ परसेंट होता है और फिर धीरे से ग्रोथ रेट कम हो जाता ना तब दिक्कत आती है वर्किंग कैपिटल में आप पिछले क्वेश्चन उठाकर देख लेना मैं बस ये कह रहा हूं यहां मुझे इस साल का एफ तो निकालना ही नहीं है इस साल का तो दिया है अगर इस साल दिया है तो फिर हम शॉर्टकट से काम कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल ठीक है आओ काम करें मतलब सर वन पॉइंट जीरो एट इंटू थ्री पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट एट जीरो जाएगा इसके बाद की अगर इसके बाद का पूछता तो वो हम नहीं निकाल पाते फिर तो वर्किंग नोट ही लगता लेकिन किस्मत अच्छी इसके बाद का एफ सी एफ एफ दिया मतलब सर बाकी क्वेश्चन में भी वर्किंग कैपिटल का सॉर्टकट लग सकता है लेकिन एफ सी एफ एफ ये वाला निकालना होता है तब दिक्कत में पड़ा रीपेमेंट ऑफ डेट कितना बोला है थर्टी परसेंट मतलब सर बीस का मतलब ज़्यादा टू तो रीपेमेंट ऑफ डेट कर दिया माइनस तो सर अब ये क्या आ गए अब आ गए और फिर ये वाला ये वाला ये फैक्टर ले लिया ये फैक्टर सर ये थर्टीन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट आया कहां से पहले ये बताओ अब उसके लिए डब्ल्यू निकाला होगा शायद शायद अगली जगह निकाला होगा यस सर डब्ल्यू के बिना काम चल ही नहीं तो अब करेंगे वर्किंग नोट नंबर थ्री डब्ल्यू सबसे पहले जो ग्रोथ रेट दो से दो था जहां स्टेज वन की मैं बात कर तो सर वहां शेयर का पैर किस मेथड से निकालना होता है मार्केट वैल्यू तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 75, कहां है चेक करो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 75, और मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी सिक्स तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी यस सर वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया और के ही दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ डेट है और के डी निकाल सकते के डी कैसे निकालेंगे बोले इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ये पहले आई निकाले आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आया ये इंटरेस्ट है और ये डेट है और उसके बाद हमने आफ्टर टैक्स कर दिया तो ये आ गया सेवन पॉइंट टू टू और ये आ गया थर्टीन पॉइंट फाइव थ्री तो हमने क्या किया थर्टीन पॉइंट फाइव थ्री से डिस्काउंटिंग कर दिया और वैल्यू निकाल लिया टू थाउजेंड टेन से टू थाउजेंड फोर्टीन और वैल्यू आ गया ये कोई दिक्कत है क्या नहीं सर क्वेश्चन तो बड़ा था अब बात करते हैं दो हजार चौदह के बाद डेट कम हो गया डेट कम हो गया तो इक्विटी तो 2014 के पास इक्विटी इतना है के डेट इतना, इतना हो गया है सत्तर परसेंटी तो डेट बचा है उसके बाद तो अब बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो ये आ गया फोर्टीन पॉइंट वन वन अब एफ सी एफ एफ दिया हुआ है कितना टू तो फोर जीरो ठीक है उसका केई माइनस जी करके ये वैल्यू निकाल लिया क्योंकि तो ग्रोथ रेट तो उसके बाद छह परसेंट होगा ठीक है सर और उसका फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ये फैक्टर कहाँ से आएगा तो ये याद रखना कि थर्टीन पॉइंट कुछ कुछ निकला था ना वहाँ से आएगा तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म फाइव सेवन वन से तो ये आ गया फाइव सेवन वन जीरो टर्मिनल कैश फ्लो आ गया अब दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ तक ठीक है अब वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करोगे और डेट क्योंकि थर्टी परसेंट पांचवे साल में पेमेंट हो रहा है जो भी हो पाँच तो पेमेंट हो जाए मतलब ये जो वैल्यू निकली इसमें से तो डेट ऑलरेडी माइनस हो चुका है यार। ये जो वैल्यू निकली इसमें से तो डेट थर्टी परसेंट ऑलरेडी माइनस हुआ तो बचा हुआ सेवेंटी परसेंट यहां से माइनस कर दोगे तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो प्राइस आ गया और ये प्राइस 66 बहुत ज्यादा है तो ये ओवर प्राइस है बस ये बता रहा बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर आज तो आज तो डेट सत उन्नीस है वन नाइन थ्री फोर तो वन नाइन थ्री फोर माइनस करना चाहिए आईसीएआई ने वैसे भी कर रखा है आप तो वो भी कर सकते हो इस मैटर पे मुझे ज्यादा बात ही नहीं करनी है ठीक अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वैसे तो मुझे मर्जर के साथ करवाना चाहिए था ये एक्चुअल में क्वेश्चन मर्जर का है क्योंकि बच्चों को मैंने आप लोगों को कॉरपोरेट वैल्यूशन में करवा दिया था तो चलो कॉरपोरेट वैल्यूशन में ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मर्जर में नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को और मेरे ख्याल से इतना कर चुके हो यार पढ़ चुके हो सिर्फ रिविजन चल रहा है तो ये वाला क्वेश्चन तो आप संभाल लो

ठीक है ए बी लिमिटेड खरीद रहा है एक्स वाई लिमिटेड को ठीक है यार उसको खरीद रहे तो उसका वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा एज ऑन थर्टी मार्च 2006 हजार सिक्स द पैड अप कैपिटल ए बी लिमिटेड मतलब जो परचेसिंग कंपनी में परचेसिंग कंपनी नाम लिख रहा हूँ नाम दे रहा हूँ उसके नंबर ऑफ शेयर से 80 लाख ठीक है दस है फेस वैल्यू हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्केट कोटेशन ड्यूरिंग द सिक्स मंथ और इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस दोनों दे रखा है ठीक है फॉर द परपस ऑफ एक्सचेंज द प्राइस पर शेयर टू बी रेकंड एज द एवरेज हाईएस्ट बोले इसका एवरेज ले लेना डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज प्राइस कर लेना एवरेज प्राइस करूँ क्या 570 plus 430 डिवाइडेड बाय 2 500 तो इसका जब मैंने एवरेज प्राइस किया तो कितना आ गया 500 करना क्या है सर अगर मैं बोलूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ इस क्वेश्चन में ये है समरी काम कीजिए कि सामने वाली कंपनी की मैं वैल्यू निकालूंगा सर तो मान लो वैल्यू आ गई पच्चीस लाख मान लो तो बोल लो सामने वाली कंपनी की वैल्यू है पच्चीस लाख और एक शेयर हम इश्यू करेंगे फाइव हंड्रेड का तो बताइए कितने शेयर्स इश्यू करेंगे और कितने शेयर्स इशू करेंगे तो इसके हिसाब से स्वैप रेशो बता दीजिए कि सामने वाली कंपनी के कितने शेयर्स थे उसके बदले में हमने कितने शेयर्स इशू किए दैट्स इट और कुछ नहीं ठीक है सर तो चले कि आगे यस एक्स वाई लिमिटेड का डिटेल दिया सर एक्स वाई लिमिटेड का मतलब कौन सी कंपनी हो गई ये कंपनी होगी वैंड्री उस कंपनी में भी दो कैटेगरी के शेयर्स हैं अच्छा क्वेश्चन है मतलब टोटल मिलाकर देखा जाए तो तीस लाख शेयर्स है ठीक है पर एक फुली पैड है दस का दस और एक पार्टली पैड है फिर लिक्विडेशन याद आता होगा अकाउंटिंग में लिक्विडेशन करते थे ये फुली पैड है और ये पार्टली पैड अप है और लोन्स भी है हंड्रेड लाख तो टोटल मिलाकर तीन सौ पचास लाख का और ऐसे ही एसेट्स की बात करो तो ये भी टोटल मिलाकर तीन सौ पचास लाख वो तो होना ही था एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ मर्चेंट बैंकर इंगेज फॉर द नेगोशिएशन हैव प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कैश फ्लो बोल रहे सर जी हम खरीद रहे एक्स वाई लिमिटेड को सामने वाली कंपनी को तो सामने वाली कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे तो उन्होंने कहा कि हम जो करेंगे वो कैश फ्लो के बेसिस पे भी कर सकते हैं। और कैश फ्लो दे रखा है उन्होंने बोले आफ्टर टैक्स अर्निंग वन जीरो फाइव लैक्स वन टू जीरो लैक्स और वन ट्वेंटी फाइव एंड टर्मिनल वैल्यू कैश फ्लो दे रखा है टू फिर इट इज रिकमेंडेड ऑफ द मर्चेंट बैंकर दैट बोले बिजनेस का वैल्यूशन जो करेंगे वो ऐसे करेंगे बोले हम एवरेज ले लेंगे किस किस का बोले जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो करोगे आठ परसेंट डिस्काउंटिंग करोगे उसका और नेट एसेट वैल्यू में मतलब यार बिजनेस का जो वैल्यूशन करोगे वो दो टाइप से करोगे एक एफ सी एफ एफ अप्रोच से और दूसरा नेट एसिड वैल्यू से और दोनों का जो वैल्यूशन आएगा उसका डिवाइडेड बाय टू करके एवरेज कर देना पहला काम तो ये करो ठीक है सर पहले नंबर पे क्या निकालना पहले नंबर पे निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल सकते हैं तो सबसे पहले कैश फ्लो कर किए जा रहे तो कैश फ्लो में दिक्कत नहीं होगी और फैक्टर भी दे रखा है चलो काम करें वन जीरो फाइव वन टू जीरो वन ट्वेंटी फाइव वन टू जीरो हंड्रेड और टर्मिनल वैल्यू कैश नो दे रखा है टू हंड्रेड सर ये टर्मिनल वैल्यू एस्टिट टर्मिनल वैल्यू दे रखा है टर्मिनल वैल्यू समझ तो गया हो ना आप मतलब यार एक दो तीन चार पाँच पाँच साल के बाद जो आएगा जितना भी आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया हम लोग याद रखना इसको ऐसे मत समझना कि दो लाख आएगा पर फिर तो खेल खत्म हो जाएगा तो सर ये तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा टर्मिनल वैल्यू का मतलब मतलब इसके बाद फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल चुके ये बात याद रखनी है ये एक छोटा सा पॉइंट पूरा अटेम्प्ट का खेल खत्म कर सकता ठीक है सर तो वैल्यू कितनी आई वैल्यू आगे फाइव नाइनटी फाइव लैक्स और नेट एसेट से आता है आपको वैल्यू आगे दो सौ पचास लाख इसका एवरेज कर लिया तो यह दूसरा सामने वाली कंपनी को शेयर सामने वाली कंपनी का वैल्यू है फोर ट्वेंटी टू जीरो और एक शेयर फाइव हंड्रेड का तो बताइए हम नंबर ऑफ शेयर इश्यू करें हम नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे पांच सौ रुपए डिवाइड कर दिया तो एट फोर टू फोर जीरो सामने वाली कंपनी को हम नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगे एट फोर टू फोर जीरो शेयर्स एटी फोर टू फोर्टी और एक बात पूछा है उसने और बहुत अच्छी बात पूछा भैया एलोकेशन कैसे करोगे क्योंकि आपके पास तो दो टाइप के शेयर होल्डर है एक फुली पैड है एक पार्टली पैडअप है तो हम इसको रेशो में बांट देंगे और ये वाले रेशो में बांट देंगे सीधी सी बात है बाकी तो लिक्विडेशन में अपने ढंग से कर उन्होंने भी रेशो में ही बांट दी ठीक जो फुली अप शेयर होल्डर है उनको इतने शेयर्स दिए जाएंगे जो अप है है उनको इतने शेयर्स दैट्स इट क्वेश्चन अच्छा है लेकिन मर्जर में होना चाहिए था मैं मानता हूँ लेकिन मैं अभी यहां बोलूंगा कि मर्जर में कर लेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं यहां करवा चुका अब जब बात मर्जर की ही हो रही है जब क्वेश्चन ही बना रहे थे एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं उसके क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बेसिकली क्या है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करवाने का उद्देश्य क्या क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अच्छा है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में क्या खास बात बेटे कुछ नहीं एक तो इसमें परचेस कंसिडरेशन मांगा जाता और एनपी भी मांगा जाता परचेज कंसिडरेशन क्या होता है मैं सामने वाली कंपनी वो वाला जो अकाउंटिंग वाला था वो ठीक है वो अपनी जगह है यार ए एस फोर्टीन पूरी तरह से मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो यहाँ बेकाल में, में गलत फहमी मत पाल लेना मेरा ये कहना है कि सामने वाली कंपनी को जब मैं खरीद रहा हूँ तो उसकी सारी एसेट्स एक्वायर कर रहा हूँ ठीक है वो तो मेरे पास आया मैं दे कितना पैसा रहा मेरे पास से पैसे की मा पैसा मतलब चाहे रेवेन्यू चाहे इन काइंड मेरे पास से कितना जा रहा है मेरे पास जो भी जा रहा है वो मेरा परचेस कंसिड्रेशन होगा या नेट परचेस अगर कुछ मिल रहा कुछ फ़ायदा हो रहा तो वो नेट मतलब कहना क्या चाहते हो भाई मैं सामने वाली कंपनी को खरीद रहा हूँ यस तो मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा ठीक है तो पैसा गया तो शेयर्स गया हाँ काइंड भी चलेगा ठीक है सर और क्या होगा सर मैं डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट कर रहा हूँ ठीक है तो वो भी तो गया यस yes, तो वो भी मेरा परचेस कंसिड्रेशन लेकिन सर उसका कैश आपको मिल गया तो वो मैं माइनस कर दूंगा मतलब मुझे निकालना नेट परचेसिडन ठीक है सर और फिर देखूंगा यार अब कितने का फायदा होगा अच्छा क्वेश्चन है मैसेस रॉली लिमिटेड खरीदना चाहते हैं पॉली लिमिटेड द बैलेंस शीट ऑफ पॉली लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस ये लाइबिलिटी दिया है और ये एसेट दिया शेयर होल्डर ऑफ पॉली लिमिटेड विल गेट सामने वाली कंपनी को मिलेगा वन शेयर किस पे करंट मार्केट प्राइस पे कितने के बदले में बोले हर दो शेयर के बदले हर दो के बदले में एक शेयर मिले और सामने वाली कंपनी मतलब वेंडर कंपनी और ये बैलेंस शीट उसी का है वेंडर कंपनी सर इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने है? नंबर ऑफ शेयर्स है दस लाख डिवाइडेड बाय दस तो नंबर ऑफ शेयर्स है एक लाख तो सर उस हिसाब से हम फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स इशू करेंगे ट्वेंटी के हिसाब से ठीक है तो सर शेयर्स दे दिया यस एक तो ये गया मेरे पास उसके बाद मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटी का भी पेमेंट करना पड़ेगा बीस हजार रुपए कम तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या दिखाई दे रहा सर एक्सटर्नल लायबिलिटी पर ये अदर लाइब्रेटी हो सकता है कि यही हो सकता है एक्सटर्नल लाइब्रेटी मतलब यार इसका मुझे तीन लाख देना पड़ेगा इसी की बात कर रहा है डेटर्स तो और इन्वेंट्री आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज दूर बोले डेटर्स और रियलाइज इन्वेंट्री हमको मिलेगा अभी की अभी लेकिन मालूम है इससे दो लाख रुपए हमें आज की आज ही मिल जाएगा अभी के अभी मिल ठीक है भाई रिमाइनस कर देंगे आज मेरे पास से कितना जा रहा है मुझे ये निकाल नेट कितना जा रहा है इसके अलावा बोले और कैश तो मिलेगा ही ये भी माइनस कर देंगे कैश भी तो मिलेगा यार सर प्लांट भी तो मिलेगा तो भाई प्लांट को आज बेच रहे हो तो मैं माइनस कर दूंगा पर प्लांट भी बेच दोगे तो सामने वाली कंपनी में बचा क्या सब कुछ उठाया और बेच दिया मतलब आप चलाने के लिए नहीं खरीद रहे बोले नहीं हम चलाने के लिए खरीद रहे हम प्लांट को तो यूज करेंगे प्लांट को आज नहीं बना अल्टीमेटली सर आप प्लांट खरीद रहे हो ऐसा बोलो हाँ और बोले जो हम क्या करेंगे बोले हम प्लांट का यूज करेंगे इंडे पे हम रन करेंगे और सी एफ एटी आएगा चार लाख रुपए पर एनम कितने साल तक चलाएंगे छह साल और छह साल बाद हम प्लांट को बेच देंगे कितने में बेच देंगे एक लाख पचास तो फिर छह साल बाद सोचेंगे मैं कहूंगा कि आज मेरे जेब से कितना जा रहा है मतलब मुझे नेट परचेस कंसिडरेशन निकालना और प्लांट भी बिकेगा मतलब ये फ्यूचर में चार लाख चार लाख चार लाख चार लाख चार लाख चार लाख भी आएगा और छठवें साल में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड भी आएगा ओके okay, सर आगे चले क्या मांग रहा है मांग रहा भैया बोर्ड को आप क्या एडवाइस सबसे पहला काम है कि हमको परचेस कंसिलेशन निकालना पड़ेगा एक तो हमने शेयर्स इशू किए उसके अलावा एक्सटर्नल लाइब्रेटी का पेमेंट किया उसके अलावा डिबेंचर के विषय में कुछ नहीं कहा जाए गया है तो हमने बुक वैल्यू पर पेमेंट कर दिया डिबेंचर इसके अलावा कैश तो हमको मिल ही गया और डेटर्स और स्टॉक को आज ही भेज तो नेट परचेज कंसिड्रेशन मेरे पास से जा रहा है थर्टीन लाख एटी थाउजेंड यूनिक क्वेश्चन है अलग क्वेश्चन है बिल्कुल तेरह लाख अस्सी हजार हमारे पास गए और फ्यूचर में यह पैसा आएगा और प्लांट को बेचने से तो फ्यूचर में यह पैसा आएगा तो यह पैसा आएगा और यह गया है तो एनपीवी निकल गया और एनपीवी पॉजिटिव है तो सामने वाली कंपनी को एक्वायर क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, मतलब क्या आसानी से बन सकता था? अब बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से क्वेश्चन नंबर आर लिमिटेड लिमिटेड एस ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री और नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी रैपिड ग्रोथ बट प्रोवाइडिंग ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आर लिमिटेड मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड आर लिमिटेड क्योंकि एस लिमिटेड को खरीदना चाहता है Limited, S Limited को खरीदना चाहता है और एस लिमिटेड के शेयर का प्राइस है तीन रुपए बीस पैसे आज सामने वाली कंपनी जिसको हम खरीद रहे उसके शेयर का प्राइस है तीन रुपए बीस अदर डेटा दिया हुआ है एस लिमिटेड से रिलेटेड करंट लाइब्रिटी है लॉन्ग टर्म लाइब्रिटी है रिजर्व एंसल्प्रेश और शेयर का इसका है सर ये डेटा है एस लिमिटेड लिख दो ना एस लिख दिया एस लिमिटेड का डेटा मतलब से सामने वाली कंपनी में अस्सी लाख शेयर्स और ये एसेड इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर लिमिटेड मतलब सर जो एक्वायर कर रही और ये टारगेट कंपनी जिसको आप वेंडर कंपनी भी बोल सकते हो और कंबाइंड एंटिटी का दे रखा कैश फ्लो दे रखा ये गलत है मिसप्रिंट है ये नब्बे लाख दस हज़ार है नाइन्टी लाख टेन थाउजेंड और इसके अलावा भी इसमें भी शायद थोड़ा चेंज होगा इसको भी ठीक कर लेना ये थर्टीन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट है या थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कॉन्सेप्ट मेन है हमारा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले यार एस लिमिटेड मिनिमम प्राइस क्या लेगा अगर आर लिमिटेड से एक्सेप्ट कर अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि मर्जर में मैं मिनिमम और मैक्सिमम अलग समझाऊ अगर मैं मर्जर की बात करूं या लॉजिक की बात करूं मैं हूं एस लिमिटेड ठीक है अगर मैं हूं एस लिमिटेड तो मैं कहूंगा भाई मैं सिंपल सी बात कहूंगा और मैं कहूंगा कि यार आज मेरे शेयर का प्राइस कितना तीन रुपये बीस पैसे तो मिनिमम कम से कम मैं तीन रुपये बीस पैसे लूंगा उससे एक पैसा कम नहीं लूंगा एक्चुअल में यही होता मैं अगर उस शेयर को मार्केट में बेचूं तो तीन रुपये बीस पैसे का भी किएगा तो मुझे तीन रुपये बीस पैसे कम से कम चाहिए उससे ज़्यादा तो चाहिए चाहिए ऐसा ही बोलूंगा जब मैं मर्जर में पहुंचूंगा लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट ने किसी और तरीके से किया उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम निकालेंगे वैल्यू ठीक है सबसे पहले वैल्यू ऐसा निकालेंगे कि एस लिमिटेड का ये कैश फ्लो आएगा अ रेशेड्यूअल कैश फ्लो और मान के चलो परपेचुअल आएगा तो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट करेंगे और जो भी आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो वैल्यू निकालेंगे फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आज ही इन एसेट्स को बेस दिया जाए और लाइब्रेरी का पेमेंट किया जाए नेट एसेट वैल्यू से वैल्यू निकालेंगे उसमें जो भी आएगा उसमें जो भी हायर होगा उसको मिनिमम वैल्यू वो समझा रहा हूँ पहला ये जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंटिंग थर्टीन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट इन्होंने लिखा है थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता थर्टीन पॉइंट जीरो सेवन ही होगा तो ये ये आंसर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो है ये आया उसका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया और डिवाइडेड बाय हमने क्या किया नंबर ऑफ शेयर्स किया तो आ गया दूसरा तरीका है दूसरा तरीका सर ये आपको दिख रहा है सर एसेट्स माइनस लाइब्रिटीज वो तो आप समझ गए हो कि कहाँ से आया भाई एसेट्स कहाँ से आया क्या बात ये आ गया एसेट्स और ये हो गया. गयािटी इससे ये माइनस किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स किया तो प्राइस आ गया एक जगह कितना आया था सर तो इसमें कितना आया था इसमें आया था सर शेयर का प्राइस 5.25. बोले तो एक तो यार कैश फ्लो के हिसाब से 5.25 और पाँच रुपये तो अगर बात है मिनिमम की तो मिनिमम हम पाँच रुपये तो ले ही लेके उससे कम नहीं लेंगे हालांकि मेरे हिसाब से मिनिमम होना चाहिए था तीन रुपए बीस पैसे पर इसमें पांच रुपये ठीक ओके एग्री दूसरा मैक्सिमम प्राइस पर शेयर क्या होगा अब मैक्सिमम प्राइस पर शेयर मालूम है किसके एंगल से निकाला जाएगा परचेसिंग कंपनी अब सोचते परचेसिंग कंपनी परचेसिंग कंपनी सुनो कैसे निकलती परचेसिंग कंपनी सोचती है यार अगर मैं अकेला होता तो क्या होता सर अकेला होते आप तो ये वैल्यू निकलती अब मर्ज कर रहे हैं तो, तो सर मर्ज कर रहे हैं तो ये वैल्यू निकलेगी तो यार मर्ज करने से तो वैल्यू ज़्यादा है तो ये जो डिफरेंस है वही सामने वाली कंपनी की वैल्यू हो जाएगी बात समझ रहे हो ना उससे ज्यादा हम नहीं देंगे मतलब सर समझा आप इस कैश फ्लो के हिसाब से वैल्यू ऑफ निकालोगे कंबाइन एंटिटी डिवाइडेड बाय करोगे नंबर ऑफ शेयर्स और ए, मतलब हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं मैसेज ऐसा एक तरीका है कि सामने वाली कंपनी को मर्ज कर ले तो उसका वैल्यू निकालेंगे और इस कंपनी से वैल्यू निकालेंगे सर समझा दोगे कि जब मैंने सामने वाली कंपनी नब्बे लाख दस हजार डिवाइडेड बाय थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव तो मेरी अकेले की वैल्यू निकाला और एक कंबाइन की वैल्यू निकाला यस तो ये जो वैल्यू निकल के है, जो मेरी एक्स्ट्रा वैल्यू बड़ी मेरी कंपनी की वो मैं आपको देने को तैयार हूँ उससे ज्यादा तो नहीं दूंगा तो बताइए मैं सामने वाली कंपनी को कितना दूंगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्स इतना फायदा हो रहा और सामने वाली कंपनी में शेयर्स कितने हैं अस्सी लाख तो बताओ कितना जाएगा सर दस रुपए इकतीस पैसे मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या फ्लोर वैल्यू ये वाला पॉइंट सर फ्लोर वैल्यू का कोई रोल है कि नहीं है सर फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या बोला फ्लोर वैल्यू का मतलब उसने बोला जो मार्केट प्राइस है तीन रुपए बीस पैसे उसका कोई यूज है कि नहीं है और क्वेश्चन आंसर में लिखा कि नहीं है क्योंकि वो उससे ज्यादा हमारा बुक वैल्यू टूवर देन द करेंट बुक वैल्यू ठीक है लोअर वैल्यू वैल्यू विल तीन है किससे बुक से तो उसका कोई रोल नहीं है तो ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती है पर इसको रट्टा मारना पड़ेगा इसलिए क्योंकि सर ठीक तो है सर दिक्कत क्या ठीक तो है जब यहां बोल रहे हो तो मर्जर में तो बैंड बज जाएगी मर्जर में तो हम कुछ और ही करेंगे और मर्जर में एक नहीं ऐसे पता नहीं पचास क्वेश्चंस करेंगे जहाँ हम हम हमेशा मिनिमम वैल्यू तीन रुपये बीस पैसे ठीक है ओके सर क्वेश्चन नंबर फोर्टी करें डिस्कशन इवन इज द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू एट क्या लिखा हुआ है शेयर कैपिटल है रिजर्व है लॉन्ग प्लांट है इन्वेस्टमेंट है स्टॉक है वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर ऑन देश ऑफ नेट एसिट मैथ सर नेट एसिट मेथड से हमें काम करना है हमें क्या निकालना हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कंपनी आसान है एसिट्स माइनस लाइबिलिटी और किस हिसाब से निकालना बोले प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मतलब सर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना यस yes, अर्निंग को कैपिटलाइज और बोले इन दोनों के हिसाब से फिर आप फेयर वैल्यू पे पहुंच जाना मतलब नेट एसिट मेथड और प्रॉफिट अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड डिवाइडेड बाय टू कर देंगे यस फेयर वैल्यू निकल जाएगा ओके अब प्रॉफिट भी कौन सा लेना है बोले प्रॉफिट जो हो गया वो मत ले लेना फ्यूचर का प्रॉफिट उसी को तो कैपिटलाइज करना है तो बोले करंट ईयर का प्रॉफिट है सिक्सटी फोर ठीक है भाई उसमें जुड़ा हुआ है चार लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जुड़ा है तो माइनस कर तो देंगे और वन लाख इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मान के चल हुआ है आपने वैल्यूएशन करके एक टॉपिक हुआ था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गुडविल में भी ये किया होगा मैं बात एसएफएम की कर ही नहीं रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अकाउंट और लिखा भी सर सरप्लस फंड आर अनलाइकली टू रिकर्स मतलब ये ये रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब फ्यूचर में नहीं होगी यस इसको एडजस्ट कर करें इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में एडिशनल एडवर्टीजमेंट का खर्चा होना कितने का होना पाँच लाख तो वो माइनस हो जाएगा और जब नेट एसेट निकालोगे तो उसमें भी चेंज कर लेना बोले मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका नाइन्टी सिक्स लैख और हंड्रेड लैक्स ले लेना और एडिशनल डेप्रीशिएशन कितना लगा लेना छः लाख रुपए लगा लेना ठीक है इनकम टैक्स कितना ले लेना थर्टी परसेंट ले लेना कैपिटलाइजेशन रेट कितने से फिफ्टी फोर्टीन परसेंट सिम्पल क्वेश्चन है नहीं भी करवाता रिवीजन में तो आपसे बन जाता इस तरह से उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग का एक्चुअल वैल्यू लिया और फिर उसके हिसाब से फिर जो नेट एसिट आया है इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल और अर्निंग कैपेसिटी में जो अर्निंग है एडजस्टेड प्रॉफिट आया होगा सर ये ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है डेप्रिशिएशन क्यों माइनस किया

तो तो इसको earning capitalization method बोलते हैं और 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 से किया किया इसका ये ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अब एक और approach होता है जिसका नाम है चौप्स ऑफ एप्रोच या ब्रेकअप वैल्यू वो डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तो अब chop approach पे समझना है हमको बात सर दो मिनट एक समझा देता हूँ आपको चॉप बस थोड़ा सा चलो तो अब देखें आगे यस सर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की बात कर रहा था बात कर रहा था चॉप टॉप अप्रोच होता क्या है याद दिला देता हूँ कि होता है यार जैसे हम एक हमारा टेक्निक था कैपिटलाइजेशन का जिसमें अर्निंग कैपिटलाइजेशन ठीक है ठीक है सर अर्निंग कैपिटलाइजेशन के अलावा भी मॉडल होता था यस उसमें सर हम अर्निंग को वैल्यू निकालने के लिए अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते थे प्राइस अर्निंग रेशियो से तो यार सर ये अर्निंग को बेस लेते जॉब्स ऑफ अप्रोच बोलता है यार आप वैल्यूएशन करने के लिए सिर्फ अर्निंग को बेस क्यों लेते हो कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिसमें अर्निंग्स भले ही कम हो पर उसमें एसेट्स ज़्यादा होती है तो वो भी एक वैल्यूएशन का तरीका है ना यार यार एसेट्स उन्होंने क्रिएट किया है तो आप भले ही अर्निंग कम हो पर एसेट्स ज़्यादा है तो उसको भी तो बेस लेना चाहिए इट मीन उन्होंने कहा कि टोटल बिजनेस की वैल्यू निकालना है तो इसको ब्रेकअप कर लिया जाए मतलब एक अर्निंग को बेस लिया जाए दूसरा एसेट्स को बेस लिया जाए तीसरा सेल सेगमेंट सेगमेंट वाइज वाइज इट मींस अलग अलग आपको वैल्यूएशन ठीक बस वही है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन है एक मैं करवा दे रहा हूं एक ही क्वेश्चन कर लोगे तो वो गिविजन में काम आ जाए द चॉप्स ऑफ अप्रोच आर ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच असाइन अ वैल्यू ऑफ क्रैनबेरी लिमिटेड हु करंटली अभी स्टॉक कितने का है करेंटली ट्रेडिंग टोटल मार्केट प्राइस यूरोन ठीक है सर यूरोन अभी उसकी वैल्यू है पर क्रैनबेरी लिमिटेड दिकाउंटिंग डेटा सेट फोर्थ फ्री बिजनेस सेगमेंट और बोले तीन बिजनेस सेगमेंट कौन कौन सा बोले होलसेल है रिटेल है और जनरल है और उनकी सेल्स दे रखा है और एसेट्स दे रखा है और ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है सबसे पहले मैं सेल्स को बेस लेके बिजनेस का वैल्यू निकालूंगा ये सेगमेंट वाइज से मुझे सेल्स को बेस लेकर बिजनेस का पूरे बिजनेस का वैल्यू निकालना पहले डिवीजन का वैल्यू निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो बिजनेस का वैल्यू निकल फिर एसेट्स को बेस लेके बिजनेस का वैल्यू निकालना है फिर ऑपरेटिंग इनकम को बेस लेकर बिजनेस का वैल्यूएशन सर कैपिटलाइजेशन रेट दिया रहेगा और दिया हुआ है यह है सेल्स को बेस लेकर कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स लिखा है तो आप समझ जाओगे ना यार मतलब सर ये क्या दिया है ये सेल्स दिया है तो सेल्स है दो लाख पच्चीस हजार पॉइंट एट दिया तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल जाएगा आप फॉर्मूले में लिख दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स ये शब्द लिखा हुआ है और क्या लिखा है पॉइंट एट फाइव सेल्स हमको दिया है, तो क्या कैपिटल वैल्यू निकल जाएगा कि हाँ सर रेशियो है ठीक है सर तो सर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना है कि हाँ अगर रेशियो को यूज करोगे तो मल्टीप्लाई तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला मैंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और जितना भी सेल्स होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटलाइजेशन रेट से तो ये आ गया थ्री जीरो क्या, क्या? क्या कर रहे वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और इन तीनों का क्या कर दिया हमने एवरेज तो ये आ गया वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ चौप्स ऑफ अप्रोच या ब्रेकअप वैल्यू उस था क्या और एक क्वेश्चन ले लेके यस क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा पर क्वेश्चन अच्छा प्लीज इसको भी देख कर जाना हर एक क्वेश्चन अगर मैंने जो भी उठाया है वो सोच समझ के उठा पूरे क्वेश्चन आरटीपी में डला हुआ है मई 2020 में आया था हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 290 करोड़ मैं क्या समझाने की कोशिश करूं अब ध्यान समझता मैंने कहा यार हम क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं यस तो मैंने आपको ये बताया था यार हम कहाँ पहुँचते सी एफ ए टी तक यस और सी एफ ए टी के बाद हम क्या करते हैं सर माइनस करते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीसीशन यस और माइनस क्या करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो ये जो आता है ये एफ सी एफ एफ आता है याद है मैंने ऐसा कुछ करवाया था और फिर मैंने आपसे कहा था कि यार एफ सी एफ ई भी निकलता है हाँ सर आपने बोला था यार यहाँ अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो ये काम फिर ये इक्विटी के लिए नहीं बनेगा फिर इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है ओके सर एग्री है पर सर फिर यहाँ डिस्काउंटिंग हम के से करेंगे हाँ बेटी ये मैंने बात किया था और फिर यहाँ क्या इसका नाम फिर एफ सी एफ 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 सी एफ ई हो जाएगा पर बस इतना याद रखना है वो मैंने वहां नहीं समझाया था मैंने कहा वहां डेट इक्विटी रेशियो का थोड़ा सा चक्कर है वो चक्कर ये है कि जब आप ये काम करोगे तो इसमें जो भी खर्च हो रहा है जो भी खर्च हो रहा है अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ये प्रॉफिट किसके लिए सर इक्विटी के लिए तो अब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगने वाला है और वर्किंग कैपिटल लगने वाला है वो इक्विटी क्यों लगाए अपना डेट वाले से भी तो बुलाओगे ना सपोज मैं कह रहा हूं कि यार सर ये टोटल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितने लगने वाला है मान लो पाँच लाख रुपए लगने वाला और डेट इक्विटी रेशियो कितना है बोले ये पॉइंट टू और पॉइंट एट मतलब सर मतलब इक्विटी का जो है इक्विटी का जब भी पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा दिस इज ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा इट मीन्स जो सर जो पाँच लाख लगेगा उसमें बीस तो हम पैसे बुलवाएंगे डेट से अस्सी परसेंट किससे बुलवाएंगे इक्विटी से बुलवाएंगे, से. बुलवाएंगे कि उन्हीं का तो रखा है तो उसने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से हम माइनस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट था इसके अब यहां से पर शेयर दिया है तो हम ऊपर ही पैट पर शेयर निकाल लेते तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा तो मैंने क्या किया पैट दिया है नंबर ऑफ शेयर्स दिया है तो मैंने क्या किया पहले मैंने कहा यार प्रॉफिट पर शेयर निकाल लिया टेंशन नहीं होगा और वही हमने किया अगर क्वेश्चन में आओगे के। पहले केई निकाला है जो भी दिया और केई क्यों निकाला होगा आप समझ गया केई में तो दिक्कत नहीं होगी तो डिस्काउंटिंग करने के लिए केई जो तो मेन सीखने वाली बात क्या थी वो थी एफ सी एफ ई याद आप एफ ई पर शेयर मैंने ईपीएस निकाल लिया सब प्रॉफिट पर शेयर मतलब ईपीएस दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो ईपीएस पर शेयर आ गया 8.92 अब ध्यान से देखना सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है हाँ और ये डेप्रिशिएशन है यस और ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन सब को देखो इन्वेस्टमेंट पर शेयर कितना लग रहा है सर फोर्टी सेवन माइनस 39 प्लस 3.45 तो सर वो लग रहा हमारा 11.45 टोटल मिलाकर पर शेयर ये लग रहा है. पर इसमें से 20 परसेंट के कहां से फाइनेंस हो रहा है डेट से तो 100 माइनस 27 हमें इक्विटी का कितना माइनस करना पड़ेगा 73 परसेंट मतलब सर ईपीएस में से माइनस होगा पर जो भी पैसा लग रहा है उसका 73 परसेंट माइनस होगा तो ये आ � डिस्काउंटिंग किया सर, ग्रोथ रेट कहां से आ गया? वन दिया होगा ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं यस सर ग्रोथ रेट दिया एट परसेंट बाकी तो सब चीज पता है आपको तो ये देख लेना इस क्वेश्चन को ये था हमारा वैल्यू ऑफ कंपनी निकालने का तरीका और एक चीज थी जो मुझे करवाना था लास्ट टॉपिक का नाम है गियरिंग ऑफ बीटा गियरिंग ऑफ बीटा ठीक है सर वैसे तो बहुत सारे तरीके से समझा सकता हूं पर सिंपल बहुत सिंपल तरीके से समझ बहुत सिंपल था कि भाई हमारा ये मानना एक बैलेंस शीट है इसमें कुछ एसिट है और पूरा की पूरा पैसा इक्विटी से है। तो सर इक्विटी से पैसा आ रहा और एसिट्स है इसको बोलते फॉर्म ठीक और एक सेम कंपनी है एसेट है लेकिन पैसा इक्विटी से भी है और डेट से भी सेम सिमिलर इंडस्ट्री है तो बस कहना यह है कि सर बीटा के विषय में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेट होता है उसमें डबल रिस्क होता है एक बिजनेस रिस्क भी होता है और एक फाइनेंशियल रिस्क भी होता है इसलिए इसका जो ओवरऑल बीटा है वो सॉरी इसका जो बीटा है इक्विटी बीटा वो ज्यादा होता है क्योंकि यहां इक्विटी को रिस्क ज्यादा होता है यहां भी इक्विटी को रिस्क है यहां भी इक्विटी को ही रिस्क है यहां इक्विटी को कितना रिस्क है लेकिन डेट वाला जो है डेट डेट उसकी वजह से और ज्यादा टेंशन है ठीक है ये कॉन्सेप्ट हम तो अगर मैं पढ़ू मैं बहुत मैंने कहा ना मैं बहुत ज्यादा दिमाग आपको खराब नहीं करूंगा कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश बीटा ऑफ इक्विटी डिपेंड अपन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म इट मीन बीटा ऑफ बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज मोर देन द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एक एजेंशन ले रखा है और एजेंशन ये है कि चाहे ये हो चाहे ये हो इन दोनों का जो एसिड बीटा है या जो प्रोजेक्ट बीटा है वो सिमिलर फॉर्म का इक्वल होगा सर ये बात हमको समझिए समझाना तो पड़ेगा सर ये ऐसे तो होगा नहीं का कुछ एग्जांपल से समझाया होंगे हाँ हा, समझाया हूँ ये जो लिखवाया है ना वो तो किसी एग्जांपल से समझा मैं यहाँ लिखने वाला था वो ऐसे समझा दे ठीक है आराम से सुन मान लो सर कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्म उसका इक्विटी दिया है और एसिड दिया है तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक फर्म जो है ये लीवर्ड है कि अनलीवर्ड अनलीवर्ड दिखाई दे कोई दिक्कत है क्या अनलीवर्ड डेट तो है नहीं है अब बोले मान लो इसका बीटा कितना है टू बीटा ए का मतलब क्या तो बीटा पैसिड यार इक्विटी गिरेगा तो एसिड भी तो गिरेगा और बोले मार्केट अगर दस परसेंट से डाउन हो जाता है तो सर इक्विटी कितना हो जाएगा एट हंड्रेड हो जाएगा तो क्या ये भी कितना हो जाएगा एट हंड्रेड हो जाएगा तो बोले अगर मार्केट डाउन हो जाता है कितने परसेंट से दस परसेंट तो इक्विटी भी तो डाउन हो जाएगा दस परसेंट ठीक है तो बोले के ही निकालो के ही निकाल सकते हैं और के ही कितना आ जाएगा सोलह मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ एसिड इसको क्या बोल सकते हैं इसको मैं बीटा ऑफ एसिड भी बोल सकता हूं या इसी को मैं बीटा ऑफ इक्विटी भी बोल सकता हूं क्योंकि डेट तो है ही नहीं ओके okay, सर अब ठीक थी, से सेम यही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यहाँ है सेम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसलिए और भी मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके हैं पर सिंपल है सर सेम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है सेम वही फॉर्म है उसमें भी एसिड सेम है टोटल लेकिन इक्विटी और डेट अलग अलग है है का। कहां से है है का से भूल जाओ कि दोनों अगर सिमिलर फॉर्म है तो एसिड बीटा सेम रहेगा मतलब अगर एसिड बीटा टू है तो यहाँ भी एसिड बीटा टू ही रहेगा एसिड बीटा मतलब ओवरऑल बीटा या फिर क्या बोल सकते हो आपको इसको प्रोजेक्ट बीटा पैसा कितना लगाया है एसिड तो सर यहाँ भी ये वाला एसिड कितने परसेंट से कम हो जाएगा अगर मैं कहता हूँ यहाँ भी और मान लो मार्केट इसका भी एसिड बीटा क्या रहेगा याद रखना ये एजम्सन से काम कर एसिड बीटा टू ही रहेगा सर इसका मतलब है एसिड में एट हंड्रेड हो जाएगा या? उसकी वजह से ये भी कम होगा यस पर डेट में चेंज नहीं होता है डेट का बीटा जीरो होता है सर 800 ये कम होने से इसका भी टोटल यहां 800 ही होगा पर डेट तो 200 हंड्रेड का ही रहेगा तो जो फर्क पड़ेगा वो किस में पड़ेगा इक्विटी में पड़ेगा मतलब सर यार इक्विटी जो पहले 800 था अब कितना हो जाएगा 600 तो अब इक्विटी में कितने का चेंज आया और इक्विटी में कितने का चेंज आ गया 25 परसेंट पहले कितने परसेंट का चेंज था सिर्फ 20 परसेंट का था अब कितने का आ गया 25% का वजह सर वजह ये है कि डेट की वजह से इक्विटी को और रिस्क बियर करना पड़ा क्योंकि डेट वाला तो कहता मैं तो चेंज होऊंगा होगा ही नहीं तो अब बीटा निकाल रहा हूँ इसको बोलते हैं इक्विटी में कितने का चेंज हो रहा इक्विटी बीटा निकाला तो 2.5 आया कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं सर इसका मतलब यह हुआ कि दो सिमिलर फर्म है तो उसका जो ओवरऑल बीटा या जो एसिड बीटा उसमें चेंज नहीं होता हाँ दूसरी काम की चीज अगर पिक्चर में डेट है इक्विटी बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज लेस देन इक्विटी बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म दो चीजें काम की निकलती है हमारे काम की चीज क्या है सुनो हमारे काम की चीज है सर ये इक्विटी बीटा निकाला कैसे जाता है मतलब ये 2.5 आएगा कैसे ये मुझे आपको समझाना और 2.5 लाने का और ओरिकल वेटेड एवरेज क्यों मैंने वेटेड एवरेज बीटा ऑफ इक्विटी ई डिवाइडेड बाय ये बीटा ऑफ डेट डी डिवाइडेड बाय और बीटा ऑफ डेट कुछ ना बोला जाए तो क्या लेते हैं सर जीरो लेते हैं यस डेट का तो बीटा होता नहीं और, बीट और, और, और बीटा ऑफ इक्विटी हमको निकालना ओवरऑल बीटा हमको मालूम है ओवरऑल एसिड बीटा मतलब ओवरऑल बीटा ये हमको निकालना है और ये इक्विटी है और ये टोटल है तो उस हिसाब से करोगे तो आ जाएगा टू इक्विटी याद रखना ये फॉर्मूला काम आने वाला है बस यही वाला फार्मूला सर ये तो वेटेड एवरेज है हाँ ये वाला फार्मूला आपको याद रखना बिना एग्जाम्पल के नहीं हो एग्जाम्पल करना जरूरी है उठा तो एग्जाम्पल है सर बहुत सारे एग्जाम्पल करूंगा छोटे छोटे लिख दिया अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेट का बीटा क्या लेना और अगर डब्लू सी सी मांगा है तो कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं याद रखना डब्ल्यू एस सी 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 ए पी एम और सीए पी एम में हमको क्या निकालना होता केई और याद रखना केई आप सीधा के वो नहीं निकाल सकते ओवरऑल बीटा का यूज नहीं करोगे आपको केई निकालना पड़ेगा उसके लिए इक्विटी बीटा चाहिए था वो निकाल लिया तो ये आ गया और डेट निकाला तो अगर अगर एक और एजेंशन अगर सर डेट का के नहीं दिया तो आर एफ यूज करेंगे याद करो मैंने ईवा में भी ये समझाया अगर डेट नहीं दिया डेट का रेट नहीं दिया तो आर एफ यूज करें और टैक्स तो है ही नहीं है पर। सर, होता तो टैक्स होता तो क्या करते वो मैं आपको समझा दूंगा तो ऐसे करके केड़ी, केड़ी और के डी निकालेंगे और हमें ये तो पता है तो वेट तो पता है तो क्या जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है दो तो चार एग्जाम्पल करेंगे तब भी होगा नहीं होने वाला बाकी ठीक है करें सर इक्विटी दिया है डेट दिया एसिड बीटा दिया और हमको स्टॉक बीटा निकालना है या इक्विटी भी निकल जाएगा हमें ये मालूम है हमें निकालना है ये और इसके बाद का मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये तो जीरो होता है तो ये दिया है तीन लाख है नीचे पांच लाख आ जाएगा तो बीटा इक्विटी आ गया थ्री पॉइंट चले आगे अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे याद रखना मैं धीरे धीरे पॉइंट पे पहुंचूंगा मजबूरी है बेटे इसको ऐसे समझाना धीरे धीरे पॉइंट पर पहुंच एफ सी एफ वन दिया और मुझे वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है। तो सर डिवाइडेड बाय हमको करना पड़ता है के और केओ के लिए क्या निकालना होता है के और के डी और वेट चाहिए वेट दिया है टू बाई मतलब टू बाई फाइव टू मतलब पॉइंट फोर रेट हो गया और 0.6 हो गया ये पर हमको केई और केडी चाहिए ठीक है सर पर एसिड बीटा दिया है ना यार एसिड बीटा दिया तो मुझे चाहिए इक्विटी बीटा सर पहले इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा यस तो मैंने लिखा सबसे पहले एसिड बीटा ठीक है इक्विटी डेट वाला पोर्शन लिखा ही नहीं थ्री और थ्री प्लस सर थ्री क्या है थ्री है इक्विटी और दोनों मिलाकर तो इक्विटी बीटा निकल गया टू पॉइंट फाइव और इक्विटी बीटा को मैंने यहाँ रख दिया तो के ई आ गया सिक्सटीन परसेंट और के डी के विषय में कुछ नहीं बोला है क्योंकि रिस्क फ्री है रिस्क फ्री डेट का बीटा तो जीरो है तो मैंने सिक्स ले लिया और उससे क्या किया उससे सर मैंने डब्ल्यू एस सी सी निकाला और डब्ल्यू एस सी सी से तो मैंने वैल्यू निकाल लिया कंपनी सिंपल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर एलिमिटेड कौन सी फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक और एफ सी एफ एफ दिया हुआ है ठीक है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मुझे वैल्यू निकल आर एफ है आर एम है और एलिमिटेड का डेट इक्विटी रिश्वत दिया है मतलब सर डेट हो गया वन और इक्विटी हो गए मुझे निकालना वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड का तो ठीक है ना सर हम लोग तैयार हैं हम सबसे पहले के ही निकाल लेंगे इधर से निकालोगे हमें इसका एसिड बीटा नहीं दिया तो सर कोई दूसरी सिमिलर कंपनी का एसिड बीटा दिया होगा दिया है पर सिमिलर कंपनी का एसिड बीटा नहीं दिया बीटा ऑफ इक्विटी ठीक है ना सर आप ही ने तो बोले थे कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक फर्म का बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इसका ऑफ इक्विटी मैंने ये नहीं बोला था मैंने बोला था ओवरऑल बीटा दोनों का सेम रहेगा को गलत मत इसका इक्विटी बीटा और इसका इक्विटी बीटा सेम नहीं होगा मैंने ये कहा था इसका एसिड बीटा और इसका एसिड बीटा सेम रहेगा तो सर इसको यूज करके सबसे पहले लिमिटेड का एसिड बीटा निकालना पड़ेगा हाँ और इस एसिड बीटा को यूज करके फिर उस कंपनी का इक्विटी बीटा निकालना पड़े मजा आया सर तो सबसे पहले मैंने एसिड बीटा निकालना है बी तो बी लिमिटेड एसिड बीटा बीटा इक्विटी कितना इक्विटी कितना है फोर डिवाइडेड बाई फाइव तो ये आ गया वन पॉइंट और इसका एसिड बीटा को मैं यहाँ यूज करूंगा उसके मदद से मैंने निकाले लिया वन पॉइंट एट सिक्स और उसकी मदद से क्या निकलेगा के और उसकी मदद से के डी और क्या निकल गया डब्ल्यू एस सी सी और क्या निकाल लिया मैंने वैल्यू ऑफ फॉर्म सिंपल ठीक है सर अब थोड़ा आगे चले अब क्वेश्चन में कुछ और आएगा धीरे आना ही था सर भगवान ना करे अगर डेट का बीटा भी दिया है तो अगर डेट का बीटा दिया है तो फिर कैसे कुछ नहीं वेटेड एवरेज वो तो हमको मालूम है वैसे होना नहीं चाहिए पर डेट का बीटा दिया है तो क्या करेंगे फॉर्मूला हमको मालूम दिस और दिस ये दो पता है बस रख लेंगे ओवरऑल बीटा हमको मालूम है वन बीटा ऑफ इक्विटी नहीं मालूम पर इक्विटी कितना है थ्री तो थ्री डिवाइड और बीटा ऑफ डेट दिया है तो निकल जाएगा और बीटा ऑफ इक्विटी कितना इट ये पार्ट पहले मैं लिखता नहीं था अब लिखना पड़ेगा अगर डेट का बीटा भी दिया तो भगवान ना करे अगर टैक्स रेट भी दिया है तो ऐसा भी तो हो सकता है एफ सी एफ एफ वन टैक्स रेट दिया है तो खेल अलग हो जाए ठीक है एसिड बीटा दिया है डेट इक्विटी रेशियो दिया है आर एफ दिया आर एफ दिया टैक्स दिया वैल्यू एसिड बीटा दिया है तो हमको इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा पर टैक्स भी दिया है तो कैसे करना वो मुझे आपको समझाना समझे जहां जहां भी डेट है उसके साथ वन माइनस टैक्स करना पड़ेगा सर डेट पे थोड़ी टैक्स होता है इंटरेस्ट पे टैक्स ये तो अभी समझाना मुश्किल है ये तो सीए इंटर में ही समझ जाना चाहिए था आपको कि यार कैसे होता है करके ठीक है पर अभी मैं पे नहीं जा रहा हूं पूरी तरह डेट पे कैसे टैक्स सेविंग्स हुआ ये समझाने में फिर टाइम लग जाएगा कि यार डेट परपेचुअल होता था ऐसा कुछ एजम्शन लूंगा जहां भी डी आएगा डेट आएगा वन माइनस टैक्स करो ठीक है सर सर डेट का बीटा अभी जीरो है तो इसका खेल खत्म हो गया यहाँ काम करना तो एसिड बीटा है ठीक है इक्विटी ठीक है इक्विटी और यहाँ डेट है ना तो वन माइनस टैक्स कर दिया बीटा ऑफ इक्विटी आ गया वन पॉइंट सिक्स नाइन और के ही निकाल लिया वन पॉइंट सिक्स नाइन तो एट पॉइंट एटीन पॉइंट फोर फाइव और फिर के डी भी निकाल लिया क्योंकि अब यहाँ टैक्स है तो जो आर एफ होगा अगर दे दिया होगा

बड़े सिंपल दो तो तीन ही क्वेश्चन हो तो करें क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट लिखा हुआ है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ओ आर कंपनी कितना दिया साठ लाख सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब सर ये वैल्यू ऑफ इक्विटी और टोटल वैल्यू ऑफ डेट दिया है चालीस लाख तो सर ये वैल्यू ऑफ डेट हो गया द ट्रेजर एस्टिमेट दैट बीटा ऑफ स्टॉक मैंने कहा था बीटा ऑफ स्टॉक को मानना बीटा ऑफ स्टॉक बीटा या बीटा ऑफ इक्विटी और रिस्क प्रीमियम मतलब सर एमआरपी दिया हुआ और आरएफ भी दिया हुआ बीटा ऑफ कंपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ एसेट मतलब सर हमसे मांग रहा है सबसे पहले बीटा ऑफ एसेट निकल सकता है सर बीटा ऑफ इक्विटी दिया है बीटा ऑफ डेट जीरो मान लेना निकल जाएगा ना सर एसिड बीटा ही तो निकालना वेटेड एवरेज वही की देखा एसिड बीटा टू बीटा ऑफ इक्विटी ई प्लस डी तो आंसर आ गया पॉइंट में पहला काम तो हो गया कुछ नहीं था फर्स्ट पॉइंट में कुछ बात ही नहीं पॉइंट नंबर टू एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर एन एक्सपांसन ऑफ द कंपनीज बिजनेस सर एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंटिंग रेट सर दो चीजें मांग रहा कि दो चीजें नहीं मांग रहा है बोले हमको कंपनी के बिजनेस का वैल्यू निकालना है कंपनी के बिजनेस का वैल्यू तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर उसी को डिस्काउंटिंग रेट बोलते वो क्या लेंगे अल्टीमेटली वो आपसे के ओ मांग रहा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सर केओ के लिए हमें इक्विटी बीटा चाहिए वो दिया हुआ है तो सर फिर तो ये क्वेश्चन ऐसी इक्विटी बीटा दिया हुआ है आपने निकाल लिया के डी के और डब्ल्यू एस सेवनटीन कुछ था नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन अच्छा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पढ़ो बेटी पढ़ो समझ में आ गए तो बहुत अच्छी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अच्छा क्वेश्चन यस पढ़ते हैं इक्विटी ऑफ के जी एफ एल चार सौ दस करो तब सर ये के जी एफ एल का वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट दे रखा सर एक सौ सत्तर करो ठीक है ये भी KGF का equity दिया है और के जी एफ का डेट भी दिया क्या कहना चाहता है क्या कहना चाहता हूँ वो उन्होंने बनाया होगा डायग्राम तो बहुत बात नहीं हम तो वो कह रहा कि यार के जी एफ के जी एफ का इक्विटी दिया है चार सौ दस एट भी दिया इसके बोले है, इसमें एक डिवीजन है जिसका नाम उसने दिया प्रिंटर डिवीजन और प्रिंटर डिवीजन का ओवरऑल बीटा एसिड बीटा दे रखा यह है टोटल मिलाकर सेवेंटी फोर परसेंट वैल्यू और इसका एसिड बीटा दे दिया है और एसिड बीटा कितना दिया है वन पॉइंट इसके अलावा स्पेयर एंड कंज्यूमेबल है स्पेयर एंड कंज्यूमेबल डिविजन्स उसमें कितना है बचा हुआ सेवेंटी फोर इधर है इधर कितना होगा तो माइनस सेवेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स परसेंट यहाँ है और इसका भी बी एसिड दिया है और बी एसिड कितना दिया है बीटॉप एसिड दे रखा है

ओवरऑल बीटा पता कैसे लगा है सर ये जो दिया इसका वेटेड एवरेज करो तो एसिड बीटा आ जाएगा जब एसिड बीटा मालूम है इक्विटी मालूम है डेट मालूम है डेट का बीटा मालूम है तो बीटा ऑफ इक्विटी तो निकल जाएगा ना सर यस तो फर्स्ट पॉइंट तो करते हैं तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया मैंने इसको और इसको यूज करके ये निकाल ये क्या निकला सर ये निकला मेरा एसिड बीट। बीटा को यहाँ लिखा और मुझे निकालना इक्विटी, चले लिखा अब निकालिए फिर से इक्विटी बीटा फिर से निकालना है कि सर इक्विटी बीटा यस मांगा तो निकालना पड़ेगा अगर के जी एफ ने डिसाइड किया है चेंज डेट इक्विटी पोजिशन और डेट रेस कर रहा है और डेट मतलब डेट के बढ़ने से इक्विटी बीटा बढ़ेगा इसमें कोई शक की बात है ही नहीं है ना यार इतना तो कॉन्सेप्ट तो डेट बढ़ा देंगे और बाइक बैक कर देंगे इक्विटी ताकि डेट इक्विटी रेशियो कितना हो जाए वन पॉइंट नाइन जीरो मतलब सर यहाँ डेट टू तो टोटल एसेट नहीं है यह है इक्विटी और यह है डेट जितना इक्विटी रहेगा उससे वन टाइम्स ज्यादा डेट रहेगा प्रेजेंट डेट का बीटा है पॉइंट थ्री फाइव मतलब सर जो ऑलरेडी डेट है अब उसका भी बीटा चेंज हो जाएगा पॉइंट थ्री फाइव हो गया और जो फर्दर डेट है उसका बीटा है पॉइंट फोर करना करना पड़ेगा कैलकुलेशन मतलब सर हमारे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब सर ये कितना था टोटल मिलाकर टोटल मिलाकर था चार सौ दस प्लस एक सौ सत्तर सर मतलब फाइव एटी था कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा डेट उठा रहे हो इक्विटी को रिपेयर इक्विटी कम हो जाएगा तो टोटल कितना सर टोटल है फाइव एट जीरो और फाइव एट जीरो तो इक्विटी रखना है वन और ये लिख रखना वन पॉइंट नाइन तो सर फाइव एट जीरो इंटू वन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट नाइन यस तो ये आ गया इक्विटी दो सौ करोड़ और वन पॉइंट नाइन डिवाइड ये आ गया थ्री एट जीरो और थ्री एट ज़ीरो में पहले से डेट है कितने का है वन सेवनटी इसको मैं ओल्ड बोल रहा हूँ इसका वन सेवेंटी ये ओल्ड और इसका बीटा दिया और बचा हुआ न्यू और इसका भी बीटा तो मुझे क्या निकालना है बीटा ऑफ इक्विटी और कितना भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कीजिए आपका ओवरऑल बीटा में कोई चेंज नहीं पर पहले मैंने डेट का वेटेड एवरेज बीटा निकाल लिया दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई तीन सौ बी ऑफ डेट निकल गया वेटेड एवरेज फिर हमने ऑफ एसेट में कोई चेंज नहीं होगा बीटा में कोई चेंज नहीं होता और उसके हिसाब से फिर से बीटा ऑफ इक्विटी निकाल ट्री पॉइंट टू आगे वेदर द क्या नया बीटा ऑफ इक्विटी जस्टिफाई करता है कि अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन लिवरेज मतलब डेट की वजह से क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी में बढ़ता है बेटे आंसर वैल्यू नहीं होना चाहिए था आंसर जो क्वेश्चन होना था ये होना था क्या लेवरेज की वजह से इक्विटी बीटा बढ़ेगा हाँ यस yes, शब्द ये होना था गलती से यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है आंसर आएगा बस इसके बाद इन्होंने ठीक ठीक है चले आगे मैंने ईवा के क्वेश्चन छुड़वाया था और क्या कहकर छुड़वाया था कि यार गियरिंग ऑफ बीटा करेंगे ना तब एक क्वेश्चन करेंगे और वो किए क्वेश्चन तो प्लीज़ क्योंकि ये आर टी पी नवम्बर इक्कीस और एम टी पी दो हजार बीस अक्टूबर इसमें डाला हुआ है तो सर ईवा याद है कि ना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हाँ सर याद है आज की क्लास में ईवा का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छुड़वा रखे उसमें से एक क्वेश्चन ये है क्या खास बात थी इस क्वेश्चन कुछ खास बात नहीं अब देखो ईवा कैसे निकालते आपको पता है देखा एस टी आर इस करेंट फाइनेंशियल इनकम रिपोर्टेड नेट इनकम आफ्टर टैक्स मतलब सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे कितना करो पचास करो ठीक है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया पचास फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एस टी आर कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा डेट ग्यारह परसेंट इक्विटी और इन्वेस्ट मतलब इन दोनों को जोड़ दिया तो उसको नाम दिया इन्वेस्ट फॉलिंग डेटा इज गिवन टू एस्टिमेट के ई निकालने के लिए डेटा दिया एसिड बीटा ऑफ टी एस आर टी एस आर नहीं है ये एस टी आर ठीक है और वन हुई लेकिन सुनो ये एसिड बीटा दिया है सर हमें क्या निकालना होता है एक तो नोपेट निकालना होता है और ऊपर से क्या निकालना होता डब्ल्यू एस सी सी डब्ल्यू एस सी सी के लिए के ई और के डी चाहिए यस yes, और केई के लिए इक्विटी बीटा चाहिए और इसमें कौन सा बीटा दिया डेट बीटा दिया। बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन में टैक्स का रेट है थर्टी परसेंट ई वन पहला काम करें जो सीखे वही यस सर बी टॉप एसिड मालूम है बी टॉप इक्विटी निकालना है इक्विटी डेट पर टैक्स का रेट दिया तो मैंने एटी वन माइनस टैक्स किया तो इसके हिसाब से केई निकल गया मैं तो और ऑफ इक्विटी निकल गया और बीटा ऑफ इक्विटी कितना निकला यार वन पॉइंट थ्री और वन पॉइंट थ्री सिक्स को यहाँ पुट किया तो के ई निकल गया और के डी निकल गया उसके हिसाब से फिर हमने डब्ल्यू एस सी सी निकाल लिया अब तो क्वेश्चन ही चाहिए डब्ल्यू एस सी सी और फिर हमने नोपेट निकाल लिया ई बी आई टी निकाला और ई बी आई टी में से टैक्स माइनस कर दिया तो नोपेट निकल गया नोपेट फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं नेगेटिव आ गया था ई अच्छा क्वेश्चन था ये और अब ये एक के एल एम वाला क्वेश्चन कर सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा रुका था ठीक तो है चल जाएगा के एल एम वाला क्वेश्चन कर ठीक है सर पढ़े सर और कितना जाएगा बस मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बचा है और कोई बस खत्म यही वाला क्वेश्चन एक अभी भी ईवा का क्वेश्चन मुझे करवाना था शायद मैंने होमवर्क हुँ दे दिया था बच्चों को पर ठीक है ये वाला क्वेश्चन तो करते क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी पढ़े हाँ सर लास्ट क्वेश्चन रिवीजन वीडियो का ए बी सी अ लार्ज बिजनेस हाउस इज प्लानिंग टू सेल इट्स होली ऑन सब्सिडी के एल बोले कोई कंपनी है ए बी सी और उसकी एक सब्सिडी है के एल एम उसको बेचना चाहते और किसको बेचना चाहते हैं एक्स वाई जेड को बेचना कहा चाहते बड़ा बड़ा पिक्चर है ए बी सी एक कंपनी है उसकी सब्सिडी कौन सी है के एल एम और वो बिजनेस हम किसको बेचना चाहते XYZ कोई कंपनी होगी वो खरीदने को तैयार है किसको खरीदने को तैयार है जो खरीदने को तैयार है परचेसिंग का उसको उम्मीद है कि जब हम इसको एक्वायर कर लेंगे ना तो उसकी अर्निंग दस परसेंट से हम बढ़ा देंगे हम जितना भी कमा रहा है उससे हम दस परसेंट ज्यादा देंगे मतलब सेनर्जी टाइप का है यस सेनर्जी है अगर मैं सामने वाली कंपनी को खरीद लेता हूं तो वो जितना भी कमाएगा उससे दस परसेंट ज्यादा कमाएंगे क्योंकि हम में कुछ दम है हालांकि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इग्नोरिंग एनी पोटेंशियल सेनर्जी बेनिफिट और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले पेट एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाए तो केएल खुद के दम पर कितना कमाएंगे तो बोले पैट कमाया था हमने दस करोड़ रुपए ठीक है भाई और बोले ऐसा नहीं है कि आप खरीदोगे आप नहीं भी खरीदते हो तो आपके बिना भी हमारा सात परसेंट का ग्रोथ वैसे भी है सेवन परसेंट का ग्रोथ है हालांकि बोल रहा भैया सात परसेंट के अलावा टेन परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा ना यार अगर हम खरीदते तो हम वही तो बोल रहे हैं कि के आप जितना भी फ्यूचर में कमाने का सोच रहे हो उससे दस ज्यादा पकड़ लेना आगे बढ़े आगे क्या सबसे तो पहले एस्टिमेट पोस्ट टैक्स रिटर्न ठीक है सर ये टेन दिया है और रिस्क फ्री रेट दिया चार पर और ये कंटिन्यू रहेगा और टैक्स का रेट है थर्टी परसेंट अब तीन चीज दिया एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड कौन है सर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड जो परचेस कर रहा है और ए बी सी एबीसी मेन कंपनी है उसके अंदर है केएलएम और केएलएम का डेटा ही नहीं दिया बस प्रॉक्सी एंटिटी मतलब सर के जैसी कोई कंपनी है ना सेम इंडस्ट्री की उस कंपनी का डेटा दिया हो तो दिया नंबर ऑफ शेयर्स करंट शेयर प्राइस डिविडेंड पे आउट डेट इक्विटी रेशियो मार्केट वैल्यू पर प्राइस एंड रेशो और इक्विटी बीटा दिया हो इक्विटी बीटा दिया हो आगे लिखा है

की क्या आएगा के एल एम का के ही क्या आएगा? अनुमान लगा सर, वो तो दिया है पर हमें के एल एम का इक्विटी बीटा चाहिए और इक्विटी बीटा के लिए क्या चाहिए एसेट बीटा और इक्विटी बीटा तो दिया है ना सर वन पॉइंट वन बिटे वन पॉइंट वन हम उठा नहीं सकते क्यों नहीं उठा सकते सर क्योंकि एबीसी अलग है के एल एम अलग है हो सकता है केएलएम किसी और चीज का काम करता है। हम किसी और हम कैसे सामने वाली कंपनी का इक्विटी बीटा उठा सकते नो no डाउट कि एबीसी का ही एक पार्ट है केएलएम लेकिन एबीसी कुछ और इंडस्ट्री में होगा केएलएम किसी और इंडस्ट्री में होगा तो फिर कैसे तो सर, सर दूसरी ऐसी केएलएम जिस इंडस्ट्री में है उसी के जैसा और कोई कंपनी है क्या तो ये दिया है प्रॉक्सी तो सर इसका तो एसिड बीटा ले सकते हैं ना हाँ इसका एसिड बीटा ले सकते हंड्रेड परसेंट पर इसका इक्विटी बीटा दिया है ये भगवान पर इसके इक्विटी बीटा के हेल्प से इसका एसिड बीटा निकाला जा सकता हाँ हाँ यहाँ यूज कर सकता हूं और हमें डेटिक तो हमें इसका इक्विटी बीटा निकाल क्या क्वेश्चन बनाया मजा तो सबसे पहले हमने प्रॉक्सी का इक्विटी बीटा उठाया 1.1 और इससे हमने ओवरऑल बीटा निकाल लिया इसका निकला प्रॉक्सी और प्रॉक्सी के ओवरऑल बीटा को यूज किया केएलएम में और क्योंकि टैक्स दिया है तो ये भूलना मत तो इससे हमने बीटा ऑफ इक्विटी निकाल लिया किसका केएलएम का और इस बीटा ऑफ इक्विटी को यहां रखा तो फाइनली हमने के ही निकाला मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन सीरियसली ठीक है सर यहां तक तो काम होगा अब इसके बाद क्या मांगा है सर आपको रेंज बताना जब भी रेंज बोलता है ना तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम इसका निकालना बोले के का निकालना कब बोले बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर एनी पोटेंशियल ठीक निकालते रेंज इसका वैल्यू निकालना के एल एम का वैल्यू निकालना तो भाई साहब वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो डेटा दिया रहेगा चलो वैल्यू निकाले अब वैल्यू निकालने के लिए कौन सा डेटा दिया है सर एक तो प्राइस अर्निंग रेशो दिया है ठीक है सर उसके लिए तो पैट चाहिए यस। तो पैट कितना है और मर्जर से पहले मर्जर के बाद सर मिनिमम मैक्सिमम ये समझ लो मर्जर से पहले वैल्यू क्या था मर्जर के बाद वैल्यू क्या था देखिए क्या सर अगर मर्जर नहीं करते तो कंपनी का पैट कितना था KLM के एल एम कहीं लिखा था अगर मर्जर नहीं होता तो वो वैसे भी कितना कमा रहा था टेन सर ग्रोथ भी तो है कभी भी प्राइज अर्निंग मॉडल से ग्रोथ नहीं लिया जाता डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है तो मैं ग्रोथ ले लेता दस करोड़ मतलब से इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे प्राइस अर्निंग रेशियो से और अगर मर्जर कर लेते हैं तो फिर दस करोड़ नहीं दस करोड़ का दस परसेंट ज्यादा और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे प्राइस अर्निंग मतलब सर सिनर्जी के बिना सिनर्जी के साथ बस प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना अब सवाल है कि सर प्राइस अर्निंग रेशियो किसका ले केएलएम जिसको मैं खरीद रहा हूँ उस कंपनी का तो प्राइस अर्निंग रेशो दिया नहीं है इसका ले एबीसी का ले ले क्या एबीसी का बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि तो एबीसी पिक्चर में है ही नहीं अब यार मैं सामने वाली कंपनी को खरीद रहा हूं या तो मेरा प्राइस अर्निंग रेशो यूज करूँ या जिस स्पीड से मैं उसको खरीद रहा हूं तो मेरे प्राइस अर्निंग रेशो से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरा यह तो प्रॉक्सी का यूज कीजिए दो ही ऑप्शन है आपके पास ठीक ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजनिंग प्रॉक्सी का यूज कर रहे हैं या एक्स वाई मैं बात कर रहा हूं अगर सनर्जी को हम कंसीडर नहीं करें तो बारह दस और सनर्जी को कंसीडर करें तो ये तो प्राइस प्राइजनिंग रेशियो के बेसिस पे ये काम होगा ठीक है उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो कैसे निकलेगा वो मैं समझा तो एक वैल्यूशन का ये तरीका है दूसरा तरीका है मतलब वो ये बोला है कि अगर सनर्जी को नहीं लेते अगर सिनर्जी को कंसिडर करते तब की तो मैंने दोनों तरीके से ठीक तो है है, और किस बेसिस पे निकाला जा सकता क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है तो डिविडेंड के बेसिस पे भी काम करें डिविडेंड तो पे आउट रेशो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया दस करोड़ अगर मैं सनर्जी की बात ना करूं सर बी कैसे निकाल सर दस करोड़ का डिविडेंड कितना परसेंट याद रखना डिविडेंड पे आउट रेसो किसका ले कि इसका ले इसका ले सर इसका लेते हैं इंटू फोर्टी परसेंट तो सर ये डिविडेंड आ गया चार करोड़ लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है ग्रोथ तो डालना पड़ेगा और ग्रोथ कितना था वन पॉइंट जीरो था क्या यस सर वन पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ तो वन डिवाइडेड बाई के माइनर्जी या तो पहले चालीस परसेंट लोग पचास परसेंट लोग है अब सनर्जी ले, ले लेंगे मतलब प्रॉफिट दस करोड़ नहीं लेना है दस परसेंट ज्यादा लेना है ना यस मतलब ग्यारह करोड़ फिर ग्यारह करोड़ का चालीस परसेंट लेंगे और फिर उसको सात परसेंट से ग्रो करेंगे देखे ग्रोथ मॉडल पहले बिना सनर्जी के तो दस करोड़ का फिफ्टी परसेंट डिविडेंड

किस बेसिस पे लेना तो अब दोनों देखना पड़ेगा सबसे पहले अर्निंग रेशो की बात प्राइज अर्निंग रेशो से प्रीस एनर्जी कितना आ रहा वैल्यू निकाल लेते क्या है कि नहीं किया प्रीस एनर्जी वैल्यू निकाला दो अब देखो प्रीस एनर्जी वैल्यू एनर्जी से पहले का वैल्यू चाहे आप किसी भी मॉडल से काम करो अब देखो प्रीस एनर्जी सौ बीस करोड़ है एक तो सौ करोड़ है एक वन थर्टी सेवन करोड़ एक का तो पता नहीं यह है वन जीरो बताओ सबसे कम कौन सा है सबसे ज्यादा कौन सा कंप्रीस एनर्जी सर सबसे कम है हंड्रेड और सबसे ज्यादा है वन थर्टी सेवन तो इन्होंने हंड्रेड और वन थर्टी सेवन लिख दिया सनर्जी से पहले वाले अगर सनर्जी को कंसीडर करते हैं तो तो चलो देख लेते हैं अगर सनर्जी को कंसीडर करते हैं तो वन थर्टी टू वन वन जीरो और कितना है वन फिफ्टी तो सर सबसे कम है ये और सबसे ज्यादा है ये मिली है वन वन जीरो वन पॉइंट नाइन तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था लास्ट वाला तो खत्म लगभग लगभग क्या पूरे क्वेश्चन किए एक क्वेश्चन ईवा का होना चाहिए था इसमें नहीं है जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात है तो यार वो देख लेना आपके बुक में तो होगा होगा प्लीज उससे देख तो क्लास ओवर कर रहा है सर अगला रिविज़न कौन सा होगा मर्जर का रिविज़न आएगा या म्यूचुअल फंड किसी ना किसी चीज़ का तो रिविज़न आएगा एक दो दिन में ही आए थैंक यू सो मच बाय बाय टेस्ट का अनाउंसमेंट आज ही होगा टेंशन मतलब मैं टेस्ट पेपर पे क्या टेस्ट का शेड्यूल आज ही अनाउंसमेंट ठीक है अगले रिवीजन में मिलते पहले टेस्ट का जो अनाउंसमेंट है उसमें मिलते हैं फिर अगले रिवीजन थैंक यू बाय बाय